क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 इंग्लिश। तो सारे मेरे भाई बहन, सबसे पहले जो है अपनी सारी टेंशन जो है भूल जाओ, क्योंकि ऐसा रिवीजन करवाने वाली हूं मैं आप लोगों का कि भाई 100 में से 100 तुम्हारे बहुत हंस खेल के आएंगे। तो सबसे पहले लगा दो फायर सिंबल इन द लाइव चैट और अपना नाम लिख दो लाइव चैट के अंदर और वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, इस सेशन को करो जल्दी से लाइक। मुझे चाहिए 2 से 3 हजार लाइक, जितने कर सकते हो लाइक उतने कर दो, ये बेस्ट ऑफ लक है आप लोगों का। तो जल्दी से करना इस लाइव सेशन को लाइक, तभी मैं करूंगी कंटिन्यू हमारी पढ़ाई। तो भैया आज जो है, मुझे पता है तुमने बहुत सारी तैयारी कर ली है, बट फिर भी बहुत सारे गैप्स रह जाते हैं, तो गैप्स नहीं रहेंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगी। आपकी फ्लेमिंगो विस्तास पोम्स क्वेश्चन, उनके राइटिंग सेक्शन, रीडिंग सेक्शन, सब कुछ होने वाला है अभी यहाँ पे आपका रिवीजन। और जो भूले भटके आए हैं कि भैया दीदी कुछ नहीं पढ़ रखा ढंग से, तो तुम्हारे को दिमाग में सब कुछ बस जाएगा आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन। तो भाई नाम बता दो लाइव चैट के अंदर, लाइक कर दो इस वीडियो को, शेयर कर दो हर एक दोस्त के साथ, आज सेल्फिश नहीं होना है, सबके साथ शेयर कर दो कि भाई सिमरन दीदी के चैनल पे बेहतरीन रिवीजन चल रहा है, इसको जो जो अटेंड करेगा उसका तो फायदा ही है, बाकी जो नहीं करे मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है मेरे वाले, जितने मेरे भाई बहन इस रिवीजन को अटेंड करें, कल तुम्हारा पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। अच्छा एक अपडेट बहुत बड़ा मुझे तुम्हें देना है, तो ये अपडेट ये है आप लोगों के लिए कि भाई मैंने आप लोगों के लिए जो है एक बहुत बड़ा सरप्राइज, जैसे मैंने आपको कहा था, आ चुका है। तो देखो गाइस, नाउ यू आर इन 12th, अब आप जो है अगले साल और अपनी आगे की लाइफ के लिए जो है तैयारी करोगे, प्रिपरेशन करोगे। तो ऐसा तो नहीं है ना सिर्फ 12th तक तुम्हारे साथ रहूंगी, उसके बाद की भी पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग कर चुकी हूं पिछले 6 महीने के अंदर आप लोगों के लिए। तो भाई अब आप लोगों के लिए आ चुका है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, स्पेशली CUET की तैयारी करने के लिए मेरा न्यू चैनल। ठीक है, न्यू क्या होगा, मैं तो वही होंगी, बस जो है गाइस ये चैनल मैंने अब आपके लिए लॉन्च कर दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, कमेंट सेक्शन में लिंक गिवन है, और जो है आई टैब में लिंक गिवन है, जाके चैनल को आपको सर्च करना है। नाम है उसका CUET बाय सिमरन दीदी। ठीक है, इस चैनल को जो है आपको इस लिंक पे से जाके, ठीक है, इस लिंक पे से जाके जो है सब्सक्राइब कर लो आज अपनी दीदी के चैनल को। ठीक है, वैसे मैं कहती नहीं हूं, मैंने तुम्हें अभी उस दिन भी कहा था इंग्लिश वाले पेपर में कि कर लो भैया इस चैनल को सब्सक्राइब, बाद में करना होगा अनसब्सक्राइब तो कर देना। वैसे अभी बहुत सारे सब्जेक्ट और भी पढ़ाऊंगी तुम्हारी 12th के, बट ये वाले चैनल को तुम्हें जरूर से सब्सक्राइब करना है इफ यू वांट कि हम लोग हमेशा ऐसे ही जो है एक दूसरे का साथ देते रहे, मैं आपको ऐसी ब्यूटीफुली पढ़ाती रहूं, तुम्हें मोटिवेट करती रहूं और CUET की प्रिपरेशन कराऊं बहुत बढ़िया वाली। सो गो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड बाकी भी कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो मेरे जोन के हैं, डेफिनेटली जो जो जिन जिन सब्जेक्ट्स में जो है मैंने, जिसमें मैंने मास्टर करी है, और जो जो सब्जेक्ट्स मेरे जोन के हैं, जो मैं पढ़ाती हूँ अपने चैनल पे 5-6 सालों से, जो मैं अपने कोचिंग में पढ़ाती हूँ, तो आगे की इतना डिस्कशन तो अभी नहीं करें, तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो। आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, CUET के लिए चैनल आ चुका है, आगे भी ऐसी ही बेहतरीन तैयारी कराती रहूंगी। ओके जी, तो CUET जिस जिस बच्चों ने देना है जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वहाँ पे आगे बात करेंगे आपके पेपरों के बाद। अब वापस आते हैं अपने पेपर पे, इंग्लिश के पेपर पे जो आपका होने वाला है कल 22 फरवरी। 22 फरवरी को पेपर देकर आओगे बिल्कुल खुश होते हुए। तो भाई वो कब होगे, जब आप इस वाले सेशन को पूरे से अटेंड करोगे। ठीक है जी, तो जल्दी जल्दी मैं अब आपको पढ़ाने, जल्दी नहीं, जल्दी मैं ये नहीं कुछ भूलवा दूंगी तुम्हारे को, कुछ लीव कर दूंगी या तुम्हारा टाइम वेस्ट कराऊंगी, नहीं जी नहीं। ठीक है जी, तो ध्यान रहेगा आपका यहाँ पे जो बोर्ड पे स्लाइड चल रही है उस पे, सुनना मेरी बातों को ध्यान से बहुत बढ़िया से, जो जो क्वेश्चन पूछूंगी वो लाइव चैट में और कमेंट में बताते रहना, और लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, शेयर कर दो सारी दोस्तों के साथ, सारे दोस्त के साथ। ठीक है जी, शुरू करें। और हाँ भाई, इस चैनल को जो मैंने न्यू चैनल ओपन करा ना आप लोगों के लिए, उसको जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, मैं 1 सेकंड का वेट कर रही हूँ, जाके सब्सक्राइब कर लेना या फिर इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है जी, जिससे CUET की प्रिपरेशन भी हम लोग कर पाए बेहतरीन मोड में। ओके जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना जो है फ्लेमिंगो विस्तास पोम और पूरी इंग्लिश का बढ़िया सा रिवीजन। ओके, सो चलो शुरू करते हैं पहले चैप्टर से। तो पहला चैप्टर गाइस हमारा कौन सा है, पहला चैप्टर है जी अपना लास्ट लेसन। अब लास्ट लेसन के लिए सबसे पहले लाइव चैट में बताओ कि लास्ट लेसन के राइटर कौन है, उनकी नाम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक से बता दो जल्दी जल्दी से। तो भाई लास्ट लेसन में क्या हो रहा है, लास्ट लेसन का एक बच्चा है फ्रांस, और वो जो फ्रांस से क्या है भैया, उस फ्रांस के साथ क्या था, अफ्रेड टू गो टू स्कूल। फ्रांस को स्कूल जाने में बहुत डर लग रहा था, एज ही हैज नॉट लर्न्ड पार्टिसिपल्स। अफ्रेड क्यों था स्कूल जाने के लिए, एक तो लेट हो गया था
याद होगा। तो यहाँ पे मैं तुम्हें पूरा चैप्टर रिवाइज भी करा दूंगी, यहाँ जो ये वर्डिंग्स लिखी है इनको आप पूरे अच्छे से समझ लो, इट कैन हेल्प यू टू फॉर्म आंसर्स इन द एग्जाम्स, ठीक है। तो तभी मैंने स्लाइड, वैसे मेरे को बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं होती, मैं कोई स्लाइड पे पीछे लिखती भी हूँ तो मैं मुड़ के देखती भी नहीं हूँ, बट टुडे आई विल रीड ऑल्सो सो दैट आप लोगों को ये चीज़ें जो है मदद करें एग्जाम में आंसर लिखने में, ठीक है जी। और ये तो वैसे भी हमारी डायरेक्टली CBSE के गिवन मटेरियल्स में से जो है ये लाइंस लिखी गई हैं, जिससे कि आपको भैया ये वोकैबुलरी आप यूज़ करो, ऐसा नहीं है हाई फाई वोकैबुलरी यूज़ करने से ही नंबर मिलते हैं, सिंपल वोकैबुलरी यूज़ करने से भी आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है जी। तो देख लो, तो फ्रांस अफ्रेड था स्कूल जाने के लिए, याद है ना, हाँ, और उसने जो है पार्टिसिपल लर्न नहीं करे थे। अब उसको करना क्या था, ये क्या ये समरी नहीं है, समरी वाला सेशन अलग आएगा भाई साहब आपका, शाम को उसमें समरी बताऊंगी। ये है पूरा रिवीजन, समरी तो चार लाइन की होती है, उसमें क्या है वो तो बाद में हेल्प करेगा आपका लॉन्ग आंसर में, यहां समझो पूरे चैप्टर्स को रिवाइज कर लो, ठीक है। तो चलो, ही वॉन्ट्स टू इंजॉय ब्यूटी ऑफ नेचर, क्यों नहीं जाना था स्कूल भाई, वो चाह रहा था भैया चिड़िया वड़िया घूम रही है, और भैया यहाँ पे जो है प्रूशन सोलर ड्रिल कर रहे हैं, बंक मार लू क्या, जैसे तुम जो है कभी कभी स्कूल के गोल पे चले जाते हो अपने एक्टिवा पे, ठीक है, इधर उधर भटकते रहते हो, ठीक है। तो ऐसे इसका मन कर रहा था, बट ये जो है ये कहता है नहीं भैया नहीं, आज नहीं जो है बंक मारूंगा, आज स्कूल चला ही जाता हूँ। तो क्या क्या चीज़ें थी जिसको फ्रांस, जो फ्रांस को टेम्प्ट कर रही थी कि भाई ये तो बहुत बढ़िया जगह लग रही है, यहाँ रुक जाता हूँ। तो ब्राइट सनशाइन थी, अच्छा मौसम, बर्ड्स चिरपिंग, जो बर्ड्स चीची चीची कर रही थी वो, ऑपरेशन सोल्जर्स की वजह से वो सोचता है कि अरे रुक जाता हूँ यहीं पर, ठीक है। फिर जो है जाता है तो क्या होता है रास्ते में, उसे क्या दिखता है रास्ते में, उस भाई साहब को बुलेटिन बोर्ड दिख जाता है, जैसे कि तुम्हें याद होगा। अब बुलेटिन बोर्ड की क्या स्पेशलिटी थी, यहाँ देख लो एग्जाम में बुलेटिन बोर्ड पर क्वेश्चन है कि यू हैव टू मैंशन दीज थिंग्स। तो भाई बुलेटिन बोर्ड की स्पेशलिटी थी ऑल बैड न्यूज़ यहीं से आती थी, लॉस्ट बैटल की खबरें यहीं से आती थी, ड्राफ्ट एंड ऑर्डर ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, यानी कि जहाँ इनका वॉर चल रहा था ना वहाँ कमांडिंग ऑफिसर से जो भी ड्राफ्ट आता था यहीं से आता था, समझ रहे हो ना, ठीक है जी। नहीं आ रहा समझ में तो बता दो, आ रहा है तो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से, ठीक है। अब जो है वंडर्ड व्हाट इट कुड बी नाउ, जैसे कि जैसी वो देखता है उसको कि अबे यार क्या भीड़ लग रही है यहाँ पे, फिर वो सोचता है आज क्या बुरी खबर आई होगी, जैसे हमेशा आती है कोई नहीं आई होगी, बट उस पर अब रुकने का टाइम नहीं था बुरी खबर देखने के लिए, क्योंकि ही वॉज वेरी लेट फॉर स्कूल, तो वो भागते हुए जाता रहता है। अब जब वो भागते हुए जाता रहता है तो तुम्हें याद होगा ब्लैक स्मिथ वॉचर आवाज़ लगाते, बेटा जल्दी जल्दी मत जा बहुत टाइम है, तो उसे टोंट मार रहा होता है कि आज तक तो स्कूल गया नहीं, अब स्कूल जाके कोई फायदा नहीं होगा बेटा, क्योंकि अब तो तुम्हारा फ्रेंच बोलने का हक तुमसे छिन चुका है, ठीक है। तो टोंट मारना नहीं, मतलब ही वॉज जस्ट, मतलब वो उसको उस समय ऐसे तरीके से बोलता है कि भाई उस लड़के को समझ में आए कि भाई उसको क्या गलती है, हमारा फ्रांस बच्चा कर चुका है, ठीक है जी। अब जैसे ही वो क्लास पहुंचता है तो वो थ्री चेंजेस नोटिस करता है स्कूल में, इस पे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्या तीन चेंजेस नोटिस करता है बताओ मुझे, कितनी बार तो बता चुकी हूँ। सबसे पहले कोई आवाज़ नहीं आ रही थी क्लासरूम में से, सन्नाटा था बिल्कुल, संडे की मॉर्निंग की तरह था। नेक्स्ट जो है वो क्या सोचता है कि भैया ना ही रूलर की आवाज़ आ रही है टीचर के, ना ही बच्चों के लेसन रिपीट करने की, ना ही डेस्क की, भैया क्या चक्कर है संडे तो नहीं है। फिर कहता नहीं भैया संडे तो नहीं है, अपने टीचर को देखता है क्लासरूम में खड़े होते हैं वो, और अपने क्लासमेट को देखता है वो तो टेबल पे बैठा होता है, और इसने सोचा था भैया कि भाई इधर उधर आवाज़ शोर हो रहा होगा तो मैं चुपचाप जाकर सीट पे बैठ जाऊंगा। अब इतनी शांति में कंफ्यूज हो जाता है क्या किया जाए, तो चुपचाप क्लास में आई कम इन सर बोल के एंटर करता है। अब इसे लगा था इसकी डांट पिटेगी, मैं आई कम इन सर बोलते, बट द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, वो उसको नहीं डांटते हैं, एंड टेलिंग हिम वेरी काइंडली टू गो टू हिज सीट। अब अगला शौक ये से क्या लगता है, सर कहते हैं बेटा बैठ जाओ सीट पे, तुम्हारे बिना शुरू करने वाले, तो सर डांटते नहीं है, ये सेकंड चीज़ थी इसके। अब जो थर्ड चीज़ उसको सबसे ज़्यादा अजीब लगती है वो थी कि सर ने कपड़े भी अलग से पहन रखे थे, मैंने नहीं मेंशन करे यहाँ पे, बताओ सर ने क्या कपड़े पहन रखे थे अलग से। तो इसके जो सर थे मिस्टर हैमिल, इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने जो है अलग से कपड़े पहन रखे थे, वो लाइव चैट में बताओ और सिंपल वाले पिंड कमेंट में बताओ क्या कपड़े पहन रखे थे, ठीक है। और सबसे ज्यादा शौक, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन याद रखना, What thing surprised the France the most? कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसको जो है फ्रांस ने सबसे ज़्यादा सरप्राइज करा था, सबसे ज़्यादा सरप्राइज फ्रांस हुआ था गाइस विलेजर्स को देख के। हाँ सर ने नहीं डाटा सरप्राइज हुआ था, बट जिसको देख के शॉक सरप्राइज हो गया था वो था विलेजर्स को देख के। तो याद रखना पीछे विलेजर्स बैठे हुए थे, हॉसर वगैरह बैठे हुए थे, ओल्ड पोस्ट मास्टर वगैरह ये सब बैठे हुए थे वहाँ पे, ठीक है। फिर MML अनाउंसमेंट करते हैं दैट इट वुड बी द लास्ट फ्रेंच लेसन, कि ये तुम्हारा लास्ट लेसन है, और तभी फ्रांस को रियलाइज होता है कि अच्छा भाई साहब ये खबर लगी थी आज बुलेटिन बोर्ड पे, ये बुरी खबर थी आज। और जैसे ही इसे ये रियलाइज होता है एट दैट मोमेंट ओनली सेंस ऑफ लॉस, तो भाई ये वाली लाइन याद रखो, फ्रांस को क्या फील होता है, सेंस ऑफ लॉस, ठीक है, क्लोजिंग ऑफ लूजिंग हिज मदर टंग, गड़बड़ है यहाँ पे, लूजिंग हिज मदर, इसको लगा रही यार मैं अब अपनी मातृभाषा ही नहीं बोल पाऊंगा। फिर फ्रांस क्या करता है, रिग्रेट करता है, तो पहले उसे लॉस फील होता है, फिर वो रिग्रेट करता है व्हाई ही हैड नॉट टेकन हिज लेसन सीरियसली, कि क्यों आज तक पढ़ाई अच्छे से सीरियसली नहीं करी, समझ लो ना।
तो अभी भी कह रही हूँ इस लाइव सेशन से अच्छे से पढ़ लो, तो मेरे भाई मेरा तो कोई भाई बहन रिग्रेट नहीं करेगा, तुम मत टेंशन लो, तुम्हारे बहुत बढ़िया पेपर होगा, ठीक है। बस बढ़िया पेपर अगर आपको करना है तो भाई मेरे चैनल पे आके जो है मैं जो लाइव सेशन अभी कर रही हूँ इसको अटेंड कर लो, रिवीजन कर लो अच्छे से। और ना मैंने थीम की, करेक्टर स्केचेस की, सबकी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, 20-20 मिनट की, 15-15 मिनट की, उनसे एक बार ना अपना एक बार रिवीजन कर लेना, पोएटिक डिवाइसेस क्या है, बस और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो द रीज़न व्हाई टीचर वॉज वेल ड्रेस्ड एंड विलेजर क्यों बैठे थे, अब उसे सब समझ में आ जाता है कि भाई ये लोग जो है सर ने 40 साल तक मेहनत की है, इस स्कूल में 40 साल तक पढ़ाया है, तो विलेजर जो है इनकी रिस्पेक्ट पे करने के लिए आए हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। अब आगे पढ़ते हैं। अब एम हैमिल सर ना पता है क्या बुलाते हैं, फ्रांस को बुलाते हैं, बेटा चलो पार्टिसिपल का टेस्ट दो, पार्टी से कुछ आते नहीं तो ये चुप बैठा रहता है, ठीक है जी, तो चुप खड़ा रहता है ये, और फिर से मन ही मन बुरा लगता है, यार मैंने ऐसे क्यों करा, काश मैं कल अच्छे से पढ़ा होता तो भाई मैं सर को अच्छा आंसर सुनाता, अभी से बहुत बुरा फील होता है, ये मुँह लटका के खड़ा होता है। तो सर डांटते हैं नहीं, यूजुअली सर डांटते स्केल भी लगा देते हैं किसको कि बेटा पढ़ के क्यों नहीं आया, बट आज सर नहीं डांटते, सर कहते हैं बेटा सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं है, हम सबकी गलती है, वो तीन लोगों को ब्लेम करते हैं, कहते हैं हम सब जितने भी आलसी वासीज हैं हम लोगों की गलती है, हम अपनी पढ़ाई करने को टालते रहते थे, आज वो दिन ही छिन गया हमारे से कि हम पढ़ पाए, ठीक है। अपनी गलती बताते हैं कि बेटा मैं तुम्हें छुट्टियों पे भेज देता था, मैं छुट्टी पे चला जाता था मछली पकड़ने के लिए तो तुम्हारी स्कूल की छुट्टी कर देता था, मैं तुम्हें कह रहा था मेरे पौधों में पानी डालाओ, ये मेरी भी गलती थी, समझ गए, याद आ गया तुम्हारे को। पेरेंट्स को कहते तुम्हारे पेरेंट्स की गलती है, तुम्हें पढ़ने को नहीं कहते थे, इधर उधर काम करवाने को भेजते थे कुछ पैसों के लिए, समझ गए जी, ठीक है समझ गए। अब फिर जो है लास्ट में वो जो है उनको कहते हैं कि अपनी मदर टंग को, जो तुम्हारी भाषा है फ्रेंच लैंग्वेज, उसको गार्ड करके लगना, अब ये बात ध्यान से सुन लो क्यों कहते हैं। तो एकदम से ना वो जाते जाते अंदाजा देके गए थे, उनको याद है ना क्या हुआ था, फ्रेंच बोली बना हो गई थी इनको, तो वो कहते बेटा घर पे बोलते रहना फ्रेंच, सीखते रहना, ये नहीं जर्मन आ गए जर्मन जर्मन बोलने को कह रहे तो तुम भूल जाओ फ्रेंच को, नहीं, जब तक फ्रेंच को अपने पास रखोगे तब तक कभी भी जो है तुम जेल में बंद नहीं हो गए, तब तक जर्मन तुम्हें पूरा कब्जा नहीं सकते, ठीक है जी। अब उस समय पे फिर इनकी क्लास शुरू हो जाती है, पढ़ाई लिखाई शुरू होती है भाई साहब। अब उस समय पे एटमॉस्फेयर क्या था क्लास का, टीचर टीच करते हैं सिंसियरली, भैया जैसे आज तुम्हें सब समझ में आ रहा है ना जो मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि तुम कॉन्सेंट्रेशन से पढ़े और मैं भी अपना बेस्ट एफर्ट देना चाह रही हूँ, वैसा ही माहौल था उस दिन वहाँ पे लास्ट लेसन वाले दिन पे, ठीक है। तो बता दो सब सही लग रहा है तुम्हें, आ रहा है समझ में बढ़िया से, लाइव चैट में बता दो मेरे को दीदी, यस सब दिमाग में घुस रहा है, क्योंकि जो है ना ये जो भी मैं आपको बोल रही हूँ मैं चाहती हूँ कल ये आवाज़ें तुम्हारे दिमाग में गूंजे, जब तुम्हें आंसर बनाने को लिखे तो तुम्हें कोई क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल मुश्किल ना लगे, समझ रहे हो। तो भाई ये क्या हुआ, एटमॉस्फेयर इन क्लास क्या था, टीचर बढ़िया पढ़ा रहे थे, अफरान सोचता भैया आज तो टीचर या बढ़िया पढ़ा रहे हैं या मैं बहुत इंटरेस्ट से पढ़ रहा हूँ, पता नहीं समझ में नहीं आता। और फिर जो है फ्रांस देखता है कि भाई ये ना उसको आवाज़ आती है ऊपर से जर्मन की थोड़ी आती है, पिजन्स की आवाज़ आती है, पिजन्स कुकू कर रहे होते हैं, तो ये सोचता है यार ऐसा ये क्या इनको भी बोलेंगे कि ये जर्मन बोले, उसे ऐसा क्यों लगता है, वो परेशान होता है कि यार हम लोगों को क्यों ये कह रहे हैं कि हम जर्मन बोले फ्रेंच होते हुए, अब ये पिजन को भी कहेंगे क्या, तो ये वो रिग्रेट फील कर रहा है, उसे गुस्सा आ रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, डर भी लग रहा है कि ये कितना हमारे ऊपर अपना हक जमाएंगे, ठीक है जी। एम हैमिल और फिर क्या होता है, इसके तीन क्लासेस होती है, मैंने अभी यहाँ पे तो मेंशन नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। सबसे पहले उनका लेसन होता है ग्रामर का, ठीक है, जहाँ पे फ्रांस का टेस्ट भी होता है। ग्रामर के बाद में होता है उसका राइटिंग का लेसन, जिसमें सर कॉपीज देते हैं बच्चों को, उस पर आलसेज लिखा होता है। उसके बाद में कौन सा होता है, हिस्ट्री का लेसन होता है। और हिस्ट्री के लेसन के भी बाद में तुम्हें याद है क्या होता है, बच्चे ना वो अपनी ABCD चैंट करते हैं, वो फ्रेंच वाली ABCD या फोनिक्स कुछ होता है, उसे चैंट करते हैं, और फिर क्या है, चर्च की बेल बज जाती है और भैया लास्ट लेसन होने वाला होता है। अब लास्ट लेसन खत्म होने के बाहरी आ जाती है इन लोगों की, फिर वहीं पर जो है प्रशियन सोल्जर्स ड्रिल करते हुए आ जाते हैं, अब उनकी छुट्टी होने वाली थी स्कूल की। अब एम हैमिल सर अपनी चेयर से उठते हैं और कुछ बोलने की कोशिश कर रहे होते हैं कि भाई कुछ बोलें, बट कुछ भी बोल नहीं पाते हैं, तो पीछे मुड़ के बोर्ड के ऊपर लिख देते हैं वी विल ऑफ रॉसे, यानी कि इसका मतलब होता है, यहाँ मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लॉन्ग लिव फ्रांस, इसलिए वो यहाँ पे बोर्ड पे लिख देते हैं, क्योंकि उनके अंदर बोलने की कुछ हिम्मत थी ही नहीं। अब इस बीच में एक इंसिडेंट और हुआ था कि जब सब बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे, तो फ्रांस जब अपने सर को देखता है तो उसने ये भी नोटिस करता कि सर बहुत मायूस थे, सर बहुत परेशान थे, सर बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे होंगे। खुद सोचो ना, एक टीचर जो 40 साल से एक स्कूल में पढ़ा रहा है, उसका घर भी वहीं है, उसे कह दे तुम जाओ यहाँ से, उसे कैसा फील होगा। तो वो ऐसे देख रहे थे क्लासरूम को कि आंखों में बसा ली उस क्लास को, ठीक है जी, समझ में आ गया। लास्ट लेसन कंप्लीट, जल्दी से ना एक वो बना लेते हम यहीं पे स्टडी GPS, लाइव चैट के अंदर स्टडी GPS बनाओ। और जो है मैं इतनी देर पानी पीती हूँ, ठीक है, मैं पानी पी लूँ एक मिनट, तो मैं पी रही हूँ पानी। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें लाइव चैट में ना भाई साहब एक स्टडी GPS बनाना है, ठीक है, क्या करना है, एक स्टडी GPS बनाओ, लास्ट लेसन लिखो और उसके आगे टिक लगा दो, ब्लू टिक, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें स्टडी GPS बना रहे हैं हम, लास्ट लेसन ब्लू टिक बना दो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दो लास्ट लेसन डन, लास्ट लेसन डन, लास्ट लेसन डन,
लास्ट लेसन कंप्लीटेड, ठीक है जी। चलो अब अगला चैप्टर पढ़ते हैं। अगला चैप्टर कौन सा हुआ? अगला चैप्टर हुआ हमारा लॉस्ट स्प्रिंग। इसमें हम पढ़ेंगे साहिब एंड मुकेश की कहानी। सो लेट्स बिगिन विद द लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। अब सो लेट्स बिगिन विद द लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। अब मुकेश की कहानी से पहले आती है साहिब की कहानी। तो ये स्टोरी में हम दो बच्चों के बारे में पढ़ते हैं जो डिप्राइव्ड हैं, ठीक है। क्या होता है भाई स्टोरी के अंदर, बताओ जी। तो दो बच्चों की कहानी पढ़िए। चाइल्ड लेबर आप जानोगे, आप उन बच्चों के बारे में जानोगे जो अपना बचपन जी ही नहीं पाते, जिनके ऊपर बचपन से ही बहुत जिम्मेवारियाँ हो जाती है। समझ गए रहे हो ना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पहले ही पूछ लेती हूँ तुमसे लॉस्ट स्प्रिंग का, पता चल जाएगा कितना बढ़िया बढ़िया पढ़ा है तुमने या नहीं पढ़ा है। तो एक क्वेश्चन तो तुम्हें मुझे ये बताना है कि साहिब के नाम का मीनिंग क्या था, ठीक है। साहिब का नाम जो था ना, उसके नाम का मीनिंग क्या था। और मुकेश वाले में से पहले मुझे ये बता दो कि जो है मुकेश का क्या क्वेश्चन पूछूं मैं तुमसे, ये तो बहुत तुम्हें सभी आता होगा, ठीक है। मुकेश का छोड़ो, अभी साहिब का ही पूछ लिया। साहिब के नाम का मीनिंग बता दो जल्दी लाइव चैट में। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी लाइक कर दो, क्योंकि लास्ट लेसन तो कंप्लीट हो ही चुका है। तो द स्टोरी डील्स विद द डिप्राइव्ड लॉट ऑफ द चिल्ड्रन एंड इट्स इज बिकॉज द थ्री फैक्टर्स, ठीक है। तो जो बच्चे जो है ना, बच्चे जिनसे उनका बचपन छिन जाता है उसके बारे में आपको बताया गया है। और तीन चीज़ों की वजह से बचपन छिना था, पॉवर्टी गरीबी की वजह से, ट्रेडिशंस एंड ब्यूरोक्रेट्स की वजह से, कि जो जिस जैसे जिस जहाँ वो पैदा हुए हैं, जो उनकी फैमिली का ट्रेडिशन चलता आ रहा है, कि जिस काम में वो, जिस बिजनेस में वो है, जो भी जॉब वो कर रहे हैं वो करते जा रहे हैं, पॉवर्टी की वजह से उनका बचपन खराब हो रहा है। और तीसरा ब्यूरोक्रेट्स की, जो गवर्नमेंट है, पीपल इन पावर है, उनकी मदद नहीं कर रहे, ठीक है जी। चलो देखते हैं। अब सबसे पहले वो साहिब से मिलती हैं, हमारी जो मैडम होती हैं। साहिब कौन था गाइस? बांग्लादेश से आया था, रैक पिकर बच्चा था। और वो क्यों आए थे? क्योंकि बांग्लादेश में जो उनकी फील्ड थी वो खराब हो गई थी स्टॉर्म से, ठीक है। उसके बाद वो उसको बोलती है, बेटा तुम स्कूल नहीं जाना चाहते हो, याद होगा तुम्हें। हमारी जो राइटर है उनका नाम क्या है? अनीस जुंग है। पूछ नहीं रही हूं, बता रही हूं, अनीस जुंग एक लेडी है, ठीक है। तो वो जो है उससे बोलती है, बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, यहां आप क्या करते रहते हो। वो क्या करता था उनके मोहल्ले में? वो कूड़ा बीनता रहता है। तो वो जाके उससे बोलती है, बेटा स्कूल चले जाया करो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं कैसे जाऊं, कोई गवर्नमेंट ने स्कूल बना ही नहीं रखा, प्राइवेट स्कूल वो लोग अफोर्ड कर नहीं सकते थे। अब जो है मैडम को उसको कहती है, तो मैं याद होगा कि मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे? तो वो कहता है, हाँ मैडम जरूर आऊंगा। थोड़े दिनों बाद वो मैडम से आके पूछता भी है कि मैम आपका स्कूल रेडी है? तो वो कहती है कि बेटा थोड़ा टाइम लगता है ऐसी चीज़ों में, इतनी जल्दी तो हो नहीं जाते, स्कूल वूल नहीं खुल जाते हैं। तो यहाँ पर उन्हें बुरा लगता है कि यार इतने छोटे से बच्चे को झूठी उम्मीद दे दी, बट वो झूठी उम्मीद पहली बार नहीं मिली थी उसे। ना जाने इन लोगों को प्रोमिसेस करते रहते हैं लोग, कभी भी पूरे नहीं होते, ठीक है जी। अब जो है फिर उनको पता चलता है साहिब के नाम का मीनिंग। साहिब का नाम क्या है? साहिब का नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, दुनिया का राजा। बट क्या वो राजा की तरह जीवन जीता? नहीं भैया, उस बेचारे बच्चे के तो पैर में चप्पल भी नहीं है। और दिन सुबह सुबह निकल आता है ये अपने दोस्तों के साथ में, बहुत सारे दोस्तों के साथ में इनके मोहल्ले के पास में, और जो है कूड़ा बीनता है, और दोपहर में चला जाता है, और नंगे पैर घूमता है इतनी धूप में, ये प्यारा सा बच्चा हमारा। तो भाई ये जो है आप सोचो, ये क्या दिखाया जा रहा है? इतनी गरीबी है, इतनी मेहनत करते हैं इनके पेरेंट्स और ये बच्चे भी, बट तब भी एक चप्पल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। अब जो है यहां पे आपको एक मैन फ्रॉम उदीपी की कहानी याद है, किसी को उदीपी वाले भैया की कहानी? तो हमारी जो मैडम है बताती है कि एक बार वो उदीपी में उनका एक दोस्त था, वो जो दोस्त था बचपन में जो है उसके पापा पुजारी थे, एक जो है मंदिर के अंदर पंडित जी थे। तो वो जो है उसके पास भी ना जूते नहीं थे स्कूल जाने के, तो वो हमेशा भगवान जी से प्रार्थना करता था कि भाई मेरे को जूते मिल जाए। अब जब वो उदीपी जाती है, अब तो वो वाला उनका दोस्त के पापा पंडित नहीं थे, कोई और पुजारी जी थे, तो अब वो जो पुजारी जी नए वाले थे उनके बेटे को देखते तो उसके पैर में जूते थे। तो वो कहती है, चलो अब इंडिया में इतना तो डेवलपमेंट आ गया है, दैट देयर आर सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी जो जूते अफोर्ड कर पा रहे हैं, बेसिक नेसेसिटी। जूता मतलब क्या है यहाँ पे? बेसिक नेसेसिटीज अफोर्ड कर पा रहे हैं, बट ये जो है रैक पिकर पीपल, ये अभी भी जो है जूते चप्पल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, इवन दो दे डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, ठीक है। फिर वो जो है जाती हैं सीमापुरी। सीमापुरी का डिस्क्रिप्शन याद रखना, एग्जाम में लिखने को आ सकता है। सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली के बिल्कुल किनारे पे पड़ता है सीमापुरी, बट बहुत मीलों दूर है डेवलपमेंट के हिसाब से। अगर आप देखो दिल्ली कितना हमारा जो है ब्यूटीफुल है, देयर इज सो मच डेवलपमेंट, सड़कें, हाई वो जो है हाईवेज बने हैं, फ्लाईओवर्स बने हैं, बिल्डिंग्स बनी है, स्टेडियम्स आर देयर। और वो जो हमारा सीमापुरी है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे लो जो लोकेलिटी जो वहाँ पे रहती है उनके घर कैसे हैं? टीन की छतें हैं, टीन नहीं तो प्लास्टिक की हैं, सीवेज है वहाँ पे, प्रॉपर सिस्टम नहीं है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, कूड़ा निकल रहा है उनमें से, गंदी बदबू आ रही है, इस टाइप का है वहाँ पे लोकेलिटी, ठीक है। अब वहाँ पे वो जब उन लोगों से पूछती हैं तो वहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, वहाँ पे वो लोग रह रहे हैं जो बांग्लादेश वॉर यानी कि 1971 में जो बांग्लादेश वॉर हुआ था तब उस समय पे रेफ्यूजी बन के आए थे। अब उनके पास यहाँ रहने
के लिए आइडेंटिटी नहीं है, परमिट नहीं है, सिर्फ उन लोगों को राशन कार्ड मिल रखा था। राशन कार्ड क्यों मिल रखा था? क्योंकि राशन कार्ड से वो वोट दे सकते थे पॉलिटिशियंस को, और राशन कार्ड से जो है बदले वो क्या कर लेते थे, राशन खरीद लेते थे जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वो उसको एक औरत कहती है हमारी मैडम को कि भाई हम यहाँ रह रहे हैं बिना आइडेंटिटी के भी, क्योंकि फूड इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन सर्वाइवल। रैक पिकिंग यानी कि कूड़ा बीनने का मतलब क्या है, अब याद रखना आपको, पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए। तो पेरेंट्स के लिए कूड़ा बीनना था सर्वाइवल, कि खर्चा चला पाए घर को, और बच्चों के लिए एक सरप्राइज होता था। वो साहिब को तो लगता था कभी न जाने कुछ मिल जाएगा, कभी न जाने कुछ मिल जाएगा कूड़े में से। ठीक है, अब लास्ट में एक दिन वो साहिब को एक टेनिस कोर्ट के बाहर देखते, तुम्हें याद होगा, तो वो टेनिस को बहुत ध्यान से देख रहा था, उसका मन था टेनिस खेलने का, बट वो बच्चा कभी टेनिस खेलना अफोर्ड नहीं कर सकता है। और तभी उसको नज़र पड़ती है हमारी मैडम की, टेनिस वाले जूते पहन रखे थे किसने, साहिब ने। जूते ऐसे किसने दिए थे बताओ जल्दी लाइव चैट में, वो जूते कहाँ से आए थे और क्या कमी थी उन जूतों के अंदर, मैं नहीं बताऊंगी आपको, जो साहिब ने पहन रखे थे। ठीक है, तो भाई साहिब के वो जूते देखकर वो उससे पूछती है तुम्हें गेम पसंद है, तो वो कहता है मुझे ये गेम पसंद है और जो है, पर मेरे को जो है कभी कभी वो जो अंकल है ना वॉचमैन, वो मुझे अंदर जाके खेलने भी देते हैं। तो वो जो है बस वहाँ जाके क्या करता है, झूले झूल लेता है, टेनिस तो नहीं खेलता, टेनिस ग्राउंड में जाके झूले झूल लेता है। तो मतलब उसका मन क्या, भाई स्कूल जाऊँ टेनिस खेलूँ, बट बेचारे की एक भी उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही है। अब एंड में वो एक दिन साहिब को देखती है कि वो क्या कर रहा था, वो दूध का जो कनिस्तर होता है उसको लेकर जा रहा था, और वो पूछते बेटा क्या कर रहे हो, तुम्हारा कूड़े वाला थैला का है, तुम ये क्या कर रहे हो यहाँ पे, ऐसे ये क्या लेके जा रहे हो तुम। तो वो बताते हैं कि मैं पास वाली चाय की दुकान पे काम कर रहा हूँ, 800 रुपये महीना मुझे मिलते हैं और 3 टाइम का खाना। तो अब जो उसका जो वो बैग था कूड़े का, वो भी उससे छीन लिया गया था। अब वो एक चाय वाले की जो है शॉप पे एक चाइल्ड लेबर बच्चा बन गया था। और अब उसका फेस कैसा था, वो लॉस ऑफ हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री लुक, उसके ना मतलब कोई ना चिंता नहीं होती थी उसकी शक्ल पे, केयर फ्री लुक। और तुम भी बिल्कुल ना केयर फ्री हो जाओ भाई साहब, बिल्कुल टेंशन मत लो पेपर की, केयर फ्री हो जाओ, टेंशन मत लो, सब रिवीजन कर लेंगे अच्छे से। तो भाई वो साहिब के फेस पे जो केयर फ्री लुक था वो अब नहीं बचा था। आ गया समझ में, पक्का हो गया, डन, कंप्लीट हो गया जी। अब पढ़ेंगे अगला वाला चैप्टर, चैप्टर नहीं है अगला पार्ट पढ़ते हैं इसका, जो मुकेश भाई वाला है। ठीक है जी, तो चलो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ठीक है जी, तो भाई आप लगा दो उस पर लाइव चैट में वो जो है लॉ स्प्रिंग कंप्लीटेड। ठीक है जी, लिख दो जल्दी से। चलो जी अगला पढ़ते हैं मुकेश। मुकेश कौन है? मुकेश बच्चा है जो फिरोजाबाद की बैंगल फैक्ट्री में काम करता है। फिरोजाबाद की बैंगल फैक्ट्री किस लिए मशहूर है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पे कांच की चूड़ियाँ बनती है। ही डिज़ायर टू बिकम अ मोटर कार मैकेनिक, वो क्या बनना चाहता है? मोटर कार मैकेनिक। अब कंडीशन क्या होती है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के अंदर? हाई टेम्परेचर होता है, ये मार्क कर लो, लिख लो, याद कर लो। डिंजी सेल्स यानी कि बहुत गहरी गहरी गुफाओं जैसी जो है वो फैक्ट्रियाँ बनी होती है। विदाउट एयर, उनमें कोई एयर नहीं होती, लाइट नहीं होती, और उसका रिजल्ट क्या होता है? मोस्ट ऑफ देम, देम कौन, जो भी बच्चे यहाँ पे काम करते हैं लोग, दे बिकम ब्लाइंड एट वेरी यंग एज, वो अंधे हो जाते हैं। ठीक है, फिर जो है हमारी मैडम जो है मुकेश के साथ मुकेश के घर जाती हैं। मुकेश का नाम कैसे, घर कैसा है? वन रूम है, और वो मतलब कि वो कैसा है, मतलब समझो आप कि वहाँ पे जितने भी मुकेश का ही घर क्या मानो, जितने भी लोग फिरोजाबाद में रहते हैं, एक एक छोटे छोटे से कमरों के घर है, शेड डला हुआ है उन पे, वहाँ पे ह्यूमंस भी रहते हैं और कुछ एनिमल्स भी रहते हैं उन लोगों के सामने, जैसे उन्होंने डोमेस्टिक एनिमल्स पाल रखे होंगे। और पूरे घरों के अंदर जो है धुआं फैल रखा होता है, जो चूल्हे में से धुआं निकलता है उससे, यानी कि गैस सिलेंडर वगैरह भी इनके घर पे नहीं थे। ठीक है, अब मुकेश के घर पे जब वो जाती हैं तो तुम्हें याद होगा जो है लोहे का दरवाज़ा था उसके घर में उसकी दादी बैठी थी, भाभी बैठी थी उसकी, वो पालक का साग बना रही थी, याद है तुम्हारे को? और वो कहते हैं मेरा घर की तो बड़ी मरम्मत हुई है, बढ़िया बना है, बट वो जो है ऐसा कुछ बना हुआ था नहीं। ठीक है, अब मुकेश के फादर जी भी बहुत समय से बैंगल फैक्ट्रियों में काम करते हैं, बट फिर भी मेहनत तो बहुत करी, एक बार टेलर भी रह चुके हैं ये, बट बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पाए, सिर्फ इनकी तरह इनके बच्चे भी बैंगल फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब जो है वो यहाँ पे गिवन नहीं है, एक और बच्ची से मिलती है सीमा। ठीक है, उसने कैसी, ड्रैब पिंक कलर की। ड्रैब मतलब क्या होता है भैया, अगर आपको एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन में, याद रखना भैया, आ गया तो मुझे थैंक यू करोगे तुम लोग। ठीक है, ड्रैब मतलब होता है फेडेड सा कलर, फेडेड सा पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी। तो बच्ची के कपड़े तो फेडेड है, बट जो वो बैंगल्स बनाती है वो चमकदार बना रही थी। इतनी छोटी सी बच्ची, मशीनों की तरह उसके हाथ चल रहे थे और वो कांच पे गाल के उसमें से क्या बना रही थी, बैंगल्स बना रही थी वो। और उसके साथ पे एक अंकल एक आंटी बैठे हुए थे जो बूढ़े थे, शायद उसके दादा दादी होंगे। तो वो बूढ़ी आंटी उसको बताती है हमारी मैडम को कि उन्होंने आज तक घर पे पेट भर के खाना नहीं खाया, इवन तो इतने समय से मेहनत कर रहे हैं, बुढ़ापा तक आ गया है, बट कभी पेट भर खाना नहीं खाया। तो वो जो अंकल साथ में बैठे होते कहते भाई हमने कम से कम अपने घर पे तो है ना, छत तो है हमारे सर पे। तो मतलब फिरोजाबाद के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे ढंग का जो है घर पे छत भी नहीं है सर पे।
तो ये चीज़ जो है आप समझ लो कितनी पॉवर्टी में वो रहते हैं। फिर जो है वो किसी बच्चों के ग्रुप के पास जाती हैं, बच्चों के ग्रुप मतलब यंग पीपल के पास, यूथ जो होता है जो है एक शहर का, उनके पास जाके कहती है बेटा तुम कुछ करो, तुम इस सिस्टम में से बाहर निकलने की कोशिश करो। तो वो कहते हैं अगर हम करें भी तो भाई हमारा कुछ नहीं होगा, हमें ही जेल में डलवा दिया जाएगा। जो है जितने भी पुलिसमैन है, ब्यूरोक्रेट्स है और साहूकार्स जो होते हैं मनी लेंडर्स, उन सब ने हमें फंसा रखा है, हम कुछ भी नहीं कर सकते इससे बाहर निकलने के लिए, हमें ही जो है वो जेल में डलवा दिया जाएगा। तो एट द एंड उन्हें समझ में आता है हमारी मैडम को कि कुछ लोगों ने तो अपनी डेस्टिनी समझ के, जैसे जो मुकेश की दादी है वो तो कहती है अब हमारी किस्मत में लिखा है, हमारा कर्मा होगा ये, तो हमें तो यही सब में लगा रहना पड़ेगा बैंगल फैक्ट्री बनाने के अंदर। और जो साहिब है उसको बेचारे को गिव अप करना पड़ा क्योंकि वो रैकपिकर कम्युनिटी में जो है उसका जन्म हुआ, तो वो रैकपिकर ही बना। और एट द एंड उसको जो है ना वो स्कूल जा पाया, ना वो टेनिस सीख पाया, और फाइनली वो चाइल्ड लेबर बन गया। बट मुकेश जो है एक पॉजिटिव नोट पर हमारा चैप्टर एंड होता है, नेगेटिव नोट पर नहीं हुआ है। मुकेश की जो ड्रीम थी वो अभी भी बची हुई थी उसके दिमाग में। हमारी ऑथर को वो जाते जाते कहता है कि मैम जो है मैं वुडवर्कर मैकेनिक जरूर बनूंगा, तो वो उससे पूछती भी है बेटा बहुत दूर है वहां पे, वो गराज जहां सीखने जाना है, कहता है चल के चला जाऊंगा। तो मुकेश के इरादे बिल्कुल पक्के थे, तो समझ गए कंप्लीटेड। देखो दो चैप्टर इतने जल्दी कंप्लीट हो गए, सारा दिमाग में बस गया। लाइक कर दो वीडियो को, जल्दी जल्दी लाइक कर दो, 2-3 हज़ार लाइक्स कर दो, अब तो हो चुके होंगे 4 हज़ार कर दो, ठीक है जल्दी जल्दी लाइक्स करो, 4-5 हज़ार लाइक्स कर दो अच्छे से, मुझे भी बड़ी खुशी हो, मैं भी तुम्हारे आने आगे वाले भाई बहनों को बताऊँ कि तुमने कितने बढ़िया तरीके से इस सेशन को अटेंड करा था, ठीक है। तो जल्दी जल्दी लाइक कर दो, इस वीडियो को शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ में, और पढ़ते रहो भैया, यहीं से, यहाँ से कहीं जाना नहीं है, पढ़ते रहो, क्योंकि इससे ज़्यादा बढ़िया तरीके से जो है तुम्हें कहीं समझ नहीं आएगा, सुबह समझ लो चुपचाप यहाँ पे, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं, तो अब आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर विलियम ओ डगलस वाला। डगलस जी भाई ये एक बहुत ही अतरंगी इंसान है, इन्हें पानी में जाके डुबकियाँ मारनी थी, इन्हें फिशिंग करनी थी, इन्हें बोटिंग करनी थी, बट क्या होता है इनके साथ बताओ, दो दो अनहोनी होती है, दो दो घटनाएं हो जाती है। एक बार तो जब छोटे से थे, बेबी से थे, बच्चे से थे, तो क्या होता है एक बार गए होते हैं अपने पापा के साथ सर्फिंग, भाई ये अमरीकी हैं, ये बाहर के देश के लोगों की कहानियां हैं ये, तो ये सर्फिंग बोट पे सर्फिंग करने गए हुए थे पापा के साथ, तो भाई पानी में जो है गिर जाते हैं, लहर आती है गिर जाते हैं, डर गए उस दिन से पानी से। बट फिर जब 10-11 साल के होते हैं तो सोचते हैं नहीं यार अब तो दोबारा स्विमिंग करना सीख ही लेता हूँ, क्या हो गया, तो वो जो है स्विमिंग करने का डिसाइड करते हैं। अब ये जो डगलस जी हैं ये कहाँ से शहर के रहने वाले थे भैया, ये रहने वाले थे याकिमा नाम के शहर के। अब याकिनाम नाम का जो शहर था इसमें याकिनाम नाम की जो है एक रिवर भी बहती थी, याकिमा ये है इस रिवर का नाम, याकिमा रिवर, ठीक है। अब ये जो रिवर थी ये बहुत खतरनाक थी, ट्रेचरस ये वर्ड मीनिंग के लिए याद रख लो, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन में, ट्रेचरस मतलब डेंजरस थी, बहुत खतरनाक थी ये रिवर, कोई भी डूब के मर जाता था इसमें, बह जाते थे जिन लोगों को अच्छी स्विमिंग ना आती हो बिल्कुल भी। तो डगलस जी की मम्मी कहती थी कि बेटा वहाँ तो मत भटकना तुम जाके, याकिमा रिवर पे तुम मिलोगे भी नहीं, ढूंढते रह जाएंगे हम सब। तो वो सोचते हैं भाई अब स्विमिंग सीखनी है तो स्विमिंग पूल सेंटर में जाऊँगा, तो वो जाते एक सेंटर में जिसका नाम था YMCA। अब ना जरा जब ये सेशन एंड होगा ना एक बार YMCA को ना सर्च कर लेना गूगल पे और इसकी फुल फॉर्म पढ़ लेना, आएगी नहीं पेपर में पर पता नहीं, वैसे भी कर लेना, मेरे को आ रहा था दिमाग में कि मैं तुम्हें फुल फॉर्म बता दूंगी, ठीक है जी। चलो तो भाई वो 10 और 11 ईयर के थे तो उन्होंने सोचा YMCA पे जाके स्विमिंग करूंगा। वो क्यों सोचते YMCA पे, क्योंकि वो ज़्यादा गहरा नहीं था, शैलो एंड पे कितना गहरा था मैं नहीं बताने की, तुम बताओ शैलो एंड पे कितना गहरा था और डीप एंड पे सबसे गहराई वाली जगह पे कितना गहरा था बता दो जल्दी कमेंट सेक्शन में, ठीक है सब बताओ लाइव चैट के अंदर, मैं वेट कर रही हूँ, ठीक है जल्दी 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 बताओ। जिसको नहीं आता होगा वो पिटाई कर ले अपनी अपने आप ही, ठीक है जिसको नहीं आता देखो आपके दूसरे भाई बहन बता रहे हैं उन्होंने पढ़ा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब वहाँ पे क्या होता है वो जाते हैं वहाँ पे स्विमिंग सीखते हैं, अच्छा सा स्विमिंग उनको सही लगने लगता है, कंफर्टेबल हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है भाई स्विमिंग ही तो है सीख लूँगा। एंड एट दैट डे अ मिस एडवेंचर हैपेंड, मिस एडवेंचर होता है उनके साथ, क्या होता है वाइल सिटिंग अलोन एंड वेटिंग फॉर अदर्स टू कम, एक दिन जल्दी पहुँच गए थे तो बैठ के वेट कर रहे थे, क्या हुआ सुबह सुबह जल्दी चले गए पूल पे, तो सोचते यार अकेला तो नहीं जाऊँगा अभी तो मुझे आती भी नहीं है स्विमिंग, 4-5 जने आ जाए तब जाऊंगा। तो तब क्या होता है कोने में बैठे होते हैं तो एक लड़का आता है जियान जैसा, जियान है आप वाला लड़का, बुली आता है एक, ठीक है तो एक बुली आता है और उसको उठा के हमारे डगलस जी को उठा के वो पूल में फेंक देता है, क्यों फेंक देता है मन था उसका, फेंक दिया उसने उठा के, उसे नहीं पता था इन्हें स्विमिंग नहीं आती, बट इन्हें नहीं आती थी तो अब ये डूबने वाले थे, 3 बार डूबते हैं ये पानी के अंदर एंड मरते मरते जो है बच जाते हैं। अब मैंने सस्पेंस से खोल दिया कि मरते तो नहीं है ये, बट कोई ऐसी बात है नहीं इसमें सस्पेंस की,
हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करा है इस सब चीज़ को, ठीक है। तो भैया ये डगलस जी जब है पानी में गिरते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा पानी जो है वो स्वैलो कर लेते हैं, 3 बार जो है वो पानी में डुबकी खाते हैं। अब 3 बार कैसे होता है ये देख लो आप लोग। तो फर्स्ट टाइम वो पानी में कब गिरते हैं, जब जो है बुली उनको फेंक देता है पानी के अंदर, ठीक है। सेकंड टाइम वो एक बार अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बनाते हैं जब वो पानी के अंदर गिर रहे होते हैं कि मैं जो है जैसे ही पूल के जो फर्श होता है ना, जो ज़मीन होती है उसके ऊपर मेरा पैर आएगा तो मैं कूद कर ऊपर आ जाऊँगा। बट वो कूद के ऊपर आते हैं तो बहुत धीरे धीरे आते हैं, और जब वो पानी के सरफेस पर आते हैं सेकेंड टाइम तो उनके पैर जाम से हो जाते हैं। आपको खुद से इमेजिन करो, जैसे स्विमिंग नहीं आती, पैर जाम हो जाते हैं, तो वो सेकेंड टाइम डूबते हैं। फिर थर्ड टाइम जब वो दोबारा ऊपर कूद के आते हैं तब भी वो बाहर नहीं निकल पाते, तो वो थर्ड टाइम दोबारा जाते हैं। अब जब वो थर्ड टाइम दोबारा पूल के अंदर जो है गिर रहे होते हैं तो उस समय वो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। एंड जो है बाद में जब इन्हें होश आता है तो इन्हें क्या दिखता है कि मैं पूल के किनारे जो है वहाँ पे था और मैं वहाँ पे वॉमिटिंग कर रहा था। तो इतना कुछ होता है उनके साथ में पूल के अंदर, पूरा आपको एक्सप्लेन करा गया है कि भाई उनको पीली पीली सी रोशनी, अब मैं तुम्हें पूरा नहीं बता रही हूँ याद रखो, उन्हें येलो कलर का टिंज दिख रहा था वाटर के अंदर। उनकी दिल की धड़कनें जो थी बहुत तेज़ हो रही थी, ही वॉन्टेड टू जो है क्राई, ही वॉन्टेड टू शाउट, बट वो शाउट नहीं कर पा रहे थे, क्राई नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पानी के अंदर थे। वाटर की फोर्स को उन्होंने पूरा का पूरा एक्सपीरियंस करा, ठीक है। उनकी धड़कनें इतनी तेज थी, बस वही सुनाई दे रही थी उन्हें, तो उन्हें लग रहा था वो जिंदा होने लग रहा था कि वो मरने वाले हैं, ठीक है। उनकी लंग्स में बहुत दर्द हो रहा था, ठीक है, उनकी पूरी बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था। ही वॉज फीलिंग पैरालाइज्ड अंडर द वाटर, ऐसा कुछ लिखना आप एग्जाम में, ठीक है। एंड फाइनली जो है जितनी बार उन्होंने कोशिश करी कि वो जो है जंप करके जो है ऊपर आए पानी के सरफेस पे, वो कुछ भी जो है उनका सही नहीं होता है। एट द एंड ही फेल्ट कि सो जाओ, कुछ करने की जरूरत नहीं, वो सो जाओ उन्हें क्यों लगता है, क्योंकि ही वॉज बिकमिंग अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो रहे थे, ठीक है। तो उस बेहोशी में उन्हें लगता है अरे यार कोई बात नहीं, सो जाता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो बेहोश हो रहे थे। बट कोई उन्हें बचा लेता, याद आ गया, कोई उन्हें बचा लेता है। और वो फिर उस बुली को डांटते हुए, बेटा तुमने क्या करा, ये अभी डूब जाता तो वो कहता है मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है जी। अब क्या होता है उनकी लाइफ में, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है आपका, कितना डर लगता है उनको नाउ। अब वो जो है कहते हैं कि भाई उस दिन जब मैं घर गया तो बार बार उन्हें डर लगता रहता था, कोई भी कह रहा इंसिडेंट होता था मैं डर जाता था। अब डगलस जी बड़े हो चुके हैं एंड जो ये वाटर का फियर था इनकी लाइफ में इनके साथ रहता है। ही वॉज इन अ ग्रिप ऑफ फियर ऑफ वाटर एंड इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ द जॉयज ऑफ कैनोइंग। अब भैया जब इनको पानी, बड़े हो गए ये, डूबने वाला इंसिडेंट खत्म, बड़े हो गए, यंग हो गए, ठीक है। अब ये जो है कह रहे हैं ना मैं कैनोइंग कर पा रहा हूँ, ना भाई साहब मैं बोटिंग पे जा पा रहा हूँ, ना मैं स्विमिंग पे, ना मैं फिशिंग पे। तो इनका सारा फ्रेंड सर्कल ही ऐसा है जो पानी में बैठा रहता है हर समय, समझ रहे हो। इन्हें छुट्टी पे जाना है तो फिशिंग करनी है, ये नहीं ट्रैकिंग कर ले पहाड़ चढ़ जाओ, नहीं, पानी के आसपास इन्हें रहना ही है, पानी का भूत सवार है इन पे, बट पानी से डर भी लगता है, तो ये डर के आगे जीत पाते हैं। फिर वो कहते हैं क्योंकि ना ये कैसे इंसान है जिन्हें लाइफ में डर के नहीं रहना है बिल्कुल भी, तो तुम भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मत डरना, वीडियो अपलोड करूँगी उसे देख लेना, ठीक है, जो इतना डर रहे हो, ठीक है। तो कोशिश करेंगे हम आपका डर जो है भगाने की, जैसे अभी इस लाइफ में चल रहा है आपका, थोड़ा सा डर वर ना लगे इंग्लिश के पेपर से। अब वो इंस्ट्रक्टर हायर कर लेते हैं कि भैया स्विमिंग सीखूंगा, ठीक है। इंस्ट्रक्टर टॉट हिम स्विमिंग पीस बाय पीस, इंस्ट्रक्टर के साथ ये लाइन जरूर लिखना, पीस बाय पीस मतलब रुक रुक के धीरे 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 बढ़िया तरीके से अच्छी ट्रेनिंग करके वो डगलस को बना देते हैं स्विमर। अब कौन से मंथ में शुरू हुई थी स्विमिंग और कौन से मंथ में एंड हुई, बता दो जल्दी से लाइव चैट के अंदर, जिन्हें पता है बता दो, जिन्हें नहीं पता जो आंसर दे रहे हैं उनसे देख लो, ठीक है जी। चलो ही वेंट, अब जो है फिर जब उनको स्विमर स्विमिंग सिखा देता है तो वो कहता है सर आप रेडी हो, बट वो कहते हैं मैं रेडी नहीं था, अभी भी मुझे डर लगता था। तो उन्होंने बहुत दिन अकेले स्विमिंग पूल में स्विमिंग करी तब भी डर आता था, तो वो सोचते हैं मैं अलग अलग लेक्स पे जाके ट्राई करूंगा कि अब डर आता है या नहीं आता है। तो वो डिफरेंट डिफरेंट लेक्स पे जाते हैं, हर बार थोड़ा सा डर आता था, तो लास्ट में वो अपने आप को टेस्ट करते हैं वार्म लेक पे, पूरी ट्रैकिंग करके जाते हैं वार्म लेक पे जाते हैं, और वार्म लेक पे जाके जब वो स्विमिंग करते हैं ही फाइनली ओवरकम हिज फियर of water. एंड एट दी एंड डगलस को क्या रियलाइज होता है, ही रियलाइज दैट इन डेथ देयर इज पीस एंड देयर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि गाइज उन्होंने लाइफ में वाटर का डर भी देखा था और वाटर में वो मरने भी वाले थे, तो उन्हें लगा कि भैया जो डर होता है वो इंसान को और ज़्यादा जीने नहीं देता है, तो इसलिए वो समझ जाते हैं दैट जो है ऑल वी हैव टू फियर इज द फियर इटसेल्फ, ठीक है। तो ये रूजवेल्ट की कोटेशन भी वो हाईलाइट करते हैं, रूजवेल्ट प्रेजिडेंट थे, कि भैया डर से हमें जो है ना उसी से डरना होता है, उसके आगे ही जीत पानी होती है। तो वो जीत पा लेते हैं हमारे डगलस जी, कैसे, माउंटेन ड्यू खरीद के लाते हैं, नहीं, वो क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं, फिर माउंटेन पे चढ़ते हैं, फिर डुबकी मारते हैं वार्म लेक पे, डूबते हैं नहीं है, अब की बार स्विम करते हैं अच्छे से, और
डर को कहते हैं, तू मुझे नहीं डरा सकता। डन, कंप्लीट हो गया डीप वाटर। तो अब लगा दो जल्दी से अपना जो है कमेंट सेक्शन के अंदर और लाइव चैट के अंदर फिर से एक ब्लू टेक लगा दो। ओके लिख दो, कंप्लीट है डीप वाटर कंप्लीट। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। ओके तो चलो शुरू करते हैं रैट ट्रैप को। तो भाई लाइक कर दो जल्दी से वीडियो को रैट ट्रैप पढ़ने से पहले, और जो है जो नए बच्चे जुड़े हैं अभी अभी इस लाइव सेशन में, तो भाई अच्छे से रैट ट्रैप पढ़े हम। आप लाइक करो जल्दी से वीडियो को, शेयर कर दो अपने सारे दोस्तों के साथ में, और जो है अभी रैट ट्रैप करेंगे और बाकी जल्दी जल्दी सब कंप्लीट कर लेंगे। टेंशन मत लो, फायर इमोजी लगा दो भैया लाइव चैट के अंदर, मुझे भरे हुए देखने हैं। फायर इमोजी, फायर फायर मोड में आ जाओ, बिल्कुल फायर करना है कल का एग्जाम अपना। ठीक है, कॉन्फिडेंस ऑन टॉप ले जाओ, बिल्कुल डन कंप्लीटेड। चलो जी भैया लाइक कर दी वीडियो को, फायर मोड में ऑन हो जाओ, पढ़ लेते हैं पूरा सिलेबस और आग लगा देंगे कल पेपर में। ठीक है जी, चलो रैट ट्रैप याद है, याद है ना चैप्टर रैट ट्रैप क्या था? चूहे का पिंजरा बेचने वाला एक आदमी था और वो चूहे के पिंजरे बेचता था, लाइफ बड़ी उसकी मोनोटोनस थी, तो उसके दिमाग में कहानी आती है पूरी दुनिया एक रैट ट्रैप है। यही वाला चैप्टर, कुछ कुछ चंद लाइनें रैट ट्रैप से रिलेटेड अगर याद हो तो लिख दो लाइव चैट में। लाइव चैट में एक दूसरे का नाम पूछने से अच्छा, भाई तू कौन है, ठीक है, बातें करने से अच्छा, नंबर मांगने से अच्छा एक दूसरे का लाइव चैट में जो है रैट ट्रैप सेलर का करेक्टर स्केच लिख दो। कुछ बातें जो भी इंग्लिश में तुम्हारे दिमाग में आ रही है ना, वो रैट ट्रैप सेलर के बारे में लिख दो, एडला के बारे में लिख दो, फ्रांस के बारे में लिख दो, कोई बात नहीं किसी के भी बारे में लिख दो। तो लाइव चैट को आज कैसे यूटिलाइज करना है, जैसे ये हो एक पेपर और पेन, वो जो कीबोर्ड आएगा ना तुम्हारा उसका फ़ोन का, वो है पेन, ठीक है। यहाँ पे लिखते रहो लाइव चैट में, अपने आप समरियाँ बना के लिखते रहो रैट ट्रैप की। मैं तो आऊँगी समरी पढ़ाने थोड़ी देर बाद, समरियाँ बना के लिखो रैट ट्रैप की। दीदी हमें तो यही आता है, इंग्लिश प्रैक्टिस यहीं करो ना, और कहाँ करोगे, ये टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। तो लाइव चैट में समरियाँ चलनी चाहिए, ठीक है जी। चलो पढ़ते हैं आगे। तो रैट ट्रैप इज अ स्टोरी दैट अंडरलाइंस अ बिलीव दैट एसेंशियल गुडनेस इन ह्यूमन बींग कैन बी अराउज थ्रू सिंपथी अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो ये इसकी थीम है कि भैया आप सामने वाले की अच्छाई बाहर निकाल के ला सकते हो, सिंपथी दिखा के उसको, उसको अंडरस्टैंड करके और प्यार से, याद रखना इसको। अब क्या था रैट ट्रैप का सिस्टम, क्या चल रहा था रैट ट्रैप में? तो वन सम मैन, एक आदमी था, वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स, वो रैट ट्रैप बेचता था, बट ही टुक टू बेगिंग एंड थीवरी टू कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर। बट कभी कभी कीप हिज बॉडी एंड सोल टुगेदर मतलब जिंदा रहने के लिए चोरी कर लिया करता था और भीख मांग लिया करता था। वन डे ही वॉज स्ट्रक विद द आइडिया दैट होल वर्ल्ड इज अ बिग रैट ट्रैप। एक दिन उसको आइडिया आता है पूरी दुनिया का रैट ट्रैप है, एंड इट ऑफर्स रिचेज एज बेट, यानी ये पूरी दुनिया में जो अलग अलग चीज़ें हमें दिखाई देती है ना, गंबा गाड़ी बंगला पैसा, ये शोहरत और ये प्यार हो गया, ये सब क्या है, ये बेट्स है, ये लालच है। जैसी इन चीज़ों के पीछे हम भागते हैं तो दुनिया बिल्कुल हमारा जो है मुसीबतें आने लगती हमारे ऊपर, ठीक है। जैसे चूहा जैसी वो आ जाता है पिंजरे में, मुसीबत में पड़ जाता है। पीपल लेट देम सेल्फ बी टेम्प्टेड टू टच द बेट। अब दुनिया में ऐसे होता है लोग बेट यानी कि लालच के पीछे जाते हैं एंड उसके बाद सब कुछ एंड हो जाता है, उनकी लाइफ बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, समझ गए, ये इसके दिमाग में सोच चलती रहती थी, ठीक है। चलो आगे क्या होता है। वन डार्क इवनिंग, एक बारी की बात है, द रैट ट्रैप पेडलर सॉट शेल्टर इन एन ओल्ड क्रॉफ्टर रोड साइड कॉटेज। भाई क्या होता है, या समझे, वो एक ओल्ड कॉटेज दिखता है उसको क्रॉफ्टर का, वो कहते हैं अंकल मैं रुक जाऊँ यहाँ पे, वो रुकवा लेते हैं। तो ओल्ड मैन गेव हिम फूड, लिखते रहो इसको कॉमेंट सेक्शन में, ये सब रिपीट कर, यही लाइनें लिख दो कॉपी पेस्ट करके, हो गई प्रैक्टिस, रिटन प्रैक्टिस, टाइपिंग प्रैक्टिस हो रही है अभी, बस एक बार जरा यार तुम थोड़ा बहुत ना पेन वेन लेके प्रैक्टिस कर लेना पेपर पे, ठीक है, फॉर्मेट्स वगैरह बना के देखना, ये तो आप अभी आप लिखो, इसके अंदर रिटन प्रैक्टिस भी करना, तो जब मैं क्वेश्चन आंसर आपको रिवीजन कराऊंगी तब कॉपी लेके बैठना, अभी तो लाइव चैट में ही लिख दो, ठीक है जी। चलो लाइक कर दो वीडियो को जल्दी से इसी बात पर, ठीक है। चलो तो ओल्ड मैन गेव हिम फूड, टोबैको देते हैं, और दे इन्जॉयड द कार्ड गेम, वो मेजालोस नाम का एक कार्ड गेम खेलते हैं, और वो उसको ये भी बता देते हैं कि भैया मेरे पे 30 करोड़ है जो मैंने कमाए थे अपनी गाय का दूध बेच के, और वो जो है बढ़िया मेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी गाय है, बहुत ज़्यादा वो दूध देती है। तो उसको यकीन नहीं होता है हमारे पेडलर को, यानी कि राइट ऑफ सेलर को, तो उसको दिखा भी देते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग पेडलर स्टोल अवे 30 करोड़, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो 30 करोड़ को चुरा लेता है, वो उसके लिए लालच बन जाता है, मत चुराता, उनने तेरी कितनी इज्जत करी, ये चुरा लेता है। द राइट ऑफ पेडलर एस्केप्ड इनटू अ बिग कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट एंड गॉट लॉस्ट। फिर क्या होता है, वो फॉरेस्ट में चला जाता है पुलिस से छुपने के लिए पैसे चुरा के, वहाँ पे लॉस्ट हो जाता है। वाइल्ड रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड ही रिकलेक्टेड हिज आइडिया दैट वर्ल्ड
प्लेज अ रैट ट्रैप एंड थॉट हिज एंड वॉज नियर। फिर जब वो थक के चूर होकर गिर जाते हैं उस फॉरेस्ट में भूल भुलैया जैसे, तो वो सोचता है मैं भी ट्रैप में फंस गया हूँ। जैसे ही वो सर रखता है जमीन पे तो उसे जो है आयरन की आयरन मिल में से आवाज आती है हथौड़े चलने की। पास में ही एक आयरन मिल थी, ठीक है। फिर जो है ही वेंट टू द आयरन मिल, वो आयरन मिल में जाता है, उसे परमिशन मिल जाती है आयरन मिल में रुकने की। याद आ गया, आयरन मिल में रुकने की परमिशन मिल गई थी। द ओनर केम ऑन हिज 90 राउंड्स एंड जो है नोटिस द रैग्ड रेच नियर द फर्नेस, यानी कि वो ना वहाँ पे आराम से जो है फर्नेस यानी कि जो भट्टी जल रही थी उसके पास में ये ना यहाँ पे यूँ बैठ लेट जाता है। तो उसका जब ओनर आता है आयरन मास्टर, ठीक है, तो वो उसको देखता भाई ये कौन है, और इसके सर पे से हैट उठाता है और उसको अपना एक ओल्ड एक्वेंटेंस नील्स ओलफ आर्मी का दोस्त मान लेता है। ही इनवाइटेड हिम टू स्टे विद देम फॉर क्रिसमस बट द स्ट्रेंजर डिक्लाइन द ऑफर। वो कहता है चल क्रिसमस पे मेरे घर चल, वो अब मना कर देता है। फिर वो अपनी बेटी को भेजता है जिसका नाम है एडला विलियमसन कि भैया मेरे दोस्त को लेकर आओ घर पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि ये ना लोगों को मना लेती है, इसकी पर्सुएजन पावर बहुत अच्छी है। तो एडला रिक्वेस्ट करती है इससे रेड ट्रैप सेलर से, अंकल चलो मेरे घर पे, हम लोग जो है आप टेंशन मत लो, कोई जेल वेल में नहीं डलवाएंगे आपको, आप घर चलो फिर हम लोग जो है क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो वो जो है मान जाता है इसकी बात को। जब अब रेड ट्रैप सेलर मैनर हाउस जा रहा होता है, मैनर हाउस मतलब एडलोरी के घर पे जा रहा होता है, वो उस बच्ची को मना नहीं कर पाता, तो उसको दिमाग में लगता है अब बे क्या गलती कर दी, कल इन्हें सुबह पता चल जाएगा मैं कोई और हूँ, मैं जो हूँ मैं नील सोलफ नहीं हूँ। अब इसने नील सोलफ मना क्यों नहीं करा था आयरन मास्टर को कि नहीं भाई मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं कोई और हूँ, मैं तो सिंपल सा आदमी हूँ, क्यों नहीं मना करा था? ऐसे लग रहा था यार कुछ पैसे दे देगा, पर ये पैसों की लालच में इसने हाँ कर दिया था। द नेक्स्ट डे इन ब्रॉड डे लाइट द आयरन मास्टर रियलाइज द स्ट्रेंजर वॉज नॉट कैप्टन एंड थ्रेटन टू कॉल द शेरिफ। अगले दिन भैया क्या हुआ था, याद आ गया, तो अगले दिन जो है रेड ट्रैप सेलर को जो है वो पहचान गया, अंकल पहचान गए ये तो कोई और है, और क्या कहते बेटा तुम्हें जेल में डलवाऊंगा। तो तब ये उनको भाषण करता है, अपना भाषण देता है भैया पूरा वर्ल्ड रैट ट्रैप है ये वो। तो वो अंकल कहते जा 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 अपने घर जा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हो गई मेरे से भी हो गई, तो भूल जाओ। तो एडला प्लीडेड फॉर हिम एंड आस्क हिम टू स्टे बैक। तो एडला कहते नहीं जाने दूंगी, क्रिसमस पे बुला के लाऊंगी, खाना खिला के अंकल को भेजूंगी घर से, ठीक है जी। तो फिर क्रिसमस ईव एट रैम्स जो वॉज एज यूजुअल एंड द स्ट्रेंजर स्लेप्ट एंड स्प्लेट। तो वो स्ट्रेंजर को अपने घर रुकवाते हैं, क्यों? वो कहते हैं इन्हें हमने प्रॉमिस करा है घर पे हम क्रिसमस पे लेकर आए, ऐसे कैसे भगा दे, और वो स्ट्रेंजर पूरा दिन वहां सोता रहता है। शी मेड हिम अंडरस्टैंड दैट इफ ही वॉन्टेड रेस्ट एंड पीस ही वुड बी वेलकम नेक्स्ट क्रिसमस ऑल्सो। कहती है अंकल आप नेक्स्ट क्रिसमस भी आ सकते हो। अंकल नहीं बोलती है वो उसको, मैं ऐसे ही रेफर कर रही हूँ, कोई एज की डिफरेंस कुछ हमें नहीं बता रखा है कि एडला का और रेटर से लगा ये डिफरेंस क्या था, या जो है वो ऑब्वियसली वो उनको अपना फ्रेंड जैसा उस समय पे दिखता है, ऐसा कुछ हमें ना उसका नाम बताया रेटर सेलर का हमें कोई भी, ठीक है चलो। नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट फॉर अर्ली चर्च सर्विस। कौन? एडला और एडला के पापा कहाँ चले जाते हैं? चर्च चले जाते हैं। और जो उनका गेस्ट था वो घर पे सो रहा था, वहाँ चर्च पे उन्हें पता चलता है कि वो एक चोर है और उसने क्रॉफ्टर के पैसे चुराए हैं। वापसी पे आते हुए जो है एडला के पापा उसे बहुत सुनाते तुमने चोर को घर पे रुका लिया, बट जब घर आते हैं तो सारा गुस्सा उनका दूर हो जाएगा, क्योंकि वो उनके लिए गिफ्ट में क्या छोड़ के गया था? चोरी करे हुए पैसे और एक लेटर जिसमें उसने एडला को थैंक यू करा, थैंक यू बेटा तुमने मुझे इस पूरी दुनिया के रैटर पे फंसने से बचा लिया। भैया हो गए, चार चैप्टर कंप्लीट हो गए, फुल चैप्टर कंप्लीट, फोर चैप्टर कंप्लीट, खुश हो जाओ बिल्कुल, लाइक कर दो भर के बढ़िया तरीके से, और थोड़ी सांस ले लो आराम से, रुक जाओ दो मिनट, हो गया चार चैप्टर कंप्लीट, ऐसे ही सारे चैप्टर जल्दी 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 हम जो है अपने कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और इनके सबके करेक्टर स्केचेस वगैरह वो भी तो मैंने पढ़ा दिया है, वो तो मैंने शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस में क्रिएट कर दिया, तो इसी बात पे लाइक कर दो, मैंने तुम्हारे लिए करेक्टर स्केच बना दिया, थीम भी बना दिया, और शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कोई नहीं इंडिगो से पढ़ लेंगे। एंड फायर मोड में ऑन हो जाओ, फायर फायर सिंबल वंस अगेन, जैसे ही हल्की सी ऐसा लग रहा होगा यार वी आर फीलिंग टायर्ड, नहीं आज टायर्ड नहीं होना है, आज फायर मोड ऑन रहना चाहिए थ्रू आउट द सेशन, और कल एग्जाम देकर आओगे इन फायर मोड, तो फायर इमोजी, और वो जो काले चश्मे वाला इमोजी होता है ना वो मुझे बड़ा क्यूट लगता है भाई, तो या जो भी तुम्हारा फेवरेट इमोजी है वो लगा दो सारे के सारे इन द लाइव चैट, ठीक है चलो। इंडिगो पढ़ते हैं, इंडिगो इंडिगो गांधी जी वाला जो चैप्टर है वो भाई, अब इंडिगो पढ़ते हैं। तो इंडिगो में कौन क्या हुआ था, एक पुअर फार्मर राजकुमार शुक्ला जी, वो जो है कहाँ जाते हैं, महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं हेल्प मांगने, क्योंकि वो जो है पुअर फार्मर वो कहा गए थे ही वॉज फ्रॉम चंपारण एंड वो महात्मा गांधी से मिलना चाहते थे क्योंकि वो मुसीबत में थे एंड ही वांटेड कि गांधी जी उनकी मदद करें, ठीक है। राजकुमार शुक्ला कौन थे, इलिटरेट थे बट रेजोल्यूट थे, यानी कि इरादों के पक्के थे। वो गांधी जी से कहां मिलने जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मीटिंग हो रही थी,
तो वो मीटिंग के बाहर गांधी जी से मिलते और कहते हैं जी आप हमारे साथ पटना चलो, वहाँ चलो चंपारण, हमारी मदद करना। तो गांधी जी कहते हैं अभी तो मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पे टाइम नहीं आने का। तो वो राजकुमार शुक्ला जी उनके साथ गांधी जी का जहाँ जहाँ गांधी जी जाते हैं गांधी जी का पीछा करते हैं, ठीक है, कानपुर जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, उनके साथ हर जगह उनका पीछा करते हैं। फिर अहमदाबाद में आश्रम के अंदर राजकुमार शुक्ला जी क्या कहते हैं गांधी जी को कि मुझे एक डेट बता दो जिस दिन आप मेरे से मिलोगे। तो गांधी जी कहते हैं कलकत्ता आना, वहाँ से जो है मैं तुम्हें मिलूँगा। तो वो दोनों एक डेट पे फिर कहाँ मिलते हैं, कलकत्ता में मिलते हैं और कलकत्ता से पटना जाते हैं। पटना में जो है गांधी जी किसके घर पे जाते हैं, फिर राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे। आ रहा है ना समझ में क्या हुआ था इस चैप्टर में? चैप्टर में आपको बताया जा रहा है कि गांधी जी ने चंपारण पीजेंस की मदद कैसे करी। तो मदद करवाने के लिए सबसे पहले राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास जाते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग के बाहर उनसे मिलते हैं, उन्हें कहते हैं हमारी मदद करो, चंपारण चलो हमारे साथ। गांधी जी कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, अभी नहीं चल सकते। तो वो गांधी जी का पीछा करते हैं, उनके साथ साथ कानपुर जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे, पीछे चलते पीछे पीछे जाते रहते हैं उनके उनके साथ में। तो क्या होता है, गांधी जी फाइनली कहते हैं भाई इस दिन कलकत्ता मिलना, फिर चलूंगा तुम्हारे साथ चंपारण। तो कलकत्ता में मिल जाते हैं, फिर दोनों ट्रेन पकड़ के कलकत्ता से पटना आते हैं। पटना क्यों आते हैं भाई, चंपारण जो है बिहार में है, तो वो पटना तक आते हैं, ठीक है। अब पटना आते हैं तो वो सोचते हैं कि राजेंद्र प्रसाद जी से मिल लेता हूं ना। हुए राजेंद्र प्रसाद जी हमारी कंट्री के फर्स्ट प्रेसिडेंट, वो समय पर कांग्रेस के भी बहुत बड़े लीडर थे, गांधी जी के दोस्त थे। तो वो सोचते हैं अब ये क्या मांजरा चल रहा है, ये क्यों मेरे से गरीब फार्मर हेल्प लेने आया है। तो उसकी है जो है मुसीबत समझने के लिए वो राजेंद्र प्रसाद जी के घर पर जाते हैं, बट राजेंद्र प्रसाद जी घर पर नहीं थे। और जो है राजेंद्र प्रसाद जी के घर पे गांधी जी को पानी नहीं पीने दिया जाता, क्योंकि उनका नौकर जो है क्या समझता है गांधी जी को कि शायद ये अनटचेबल ना हो, तो उन्हें पानी नहीं पीने दिया जाता है, ठीक है। फिर गांधी जी डिसाइडेड टू गो मुजफ्फरपुर, गांधी जी मुजफ्फरपुर जाते हैं। याद है ना अपने एक दोस्त को मैसेज करते हैं शांति निकेतन कॉलेज के, याद है नाम बताओ उनका क्या था, और कहते हैं मैसेज नहीं करते टेलीग्राम करते हैं, पुराने ज़माने वाला अब की बार वाला नहीं, और कहते हैं मैं आ रहा हूँ वहाँ पे। 15 अप्रैल को पहुँचते हैं वहाँ, 1917 को रात को ट्रेन पे स्टेशन पे पहुँचते हैं मुजफ्फरपुर के, वहाँ उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको मिलने आते हैं। क्या नाम था टीचर का, JB कृपलानी। तो वो मुजफ्फरपुर में रुकते हैं बहुत दिनों तक, क्यों रुकते हैं, 2 दिन तक रुकते हैं, बहुत दिन तक नहीं। और क्या समझना चाहते हैं कि चंपारण वासियों की परेशानी क्या थी, किसके घर पे रुकते हैं, प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकते हैं। एंड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि प्रोफेसर मलकानी के घर पे रुकना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बात क्यों थी, बताओ। रुक गए उनके घर पे तो क्या दिक्कत थी, दिक्कत नहीं थी, बड़ी अलग सी बात थी उस जमाने में, क्योंकि उस जमाने में कोई भी जो है ब्रिटिशर के खिलाफ जाने वाले लोगों को अपने घर में नहीं रुकाता था, बट मलकानी जी ने रुकवाया था, ठीक है जी। द न्यूज़ ऑफ गांधीज अराइवल स्प्रेड, शेयर क्रॉपर्स गैदर्ड इन लार्ज नंबर टू मीट देयर चैंपियन। तो भाई जैसे ही लोगों को मुजफ्फरपुर के पता चला ना गांधी जी आए मदद करने के लिए, तो सब लोग गांधी जी को देखने आने लगे। फिर मुजफ्फरपुर में गांधी जी लॉयर्स से मिलते हैं, बात करते हैं भाई बताओ क्या केस है, क्या दिक्कत हो गई फार्मर के साथ। तो वो जो है बताते हैं उनको, और फिर जो है उन्हें समझ में आता है केस, और लॉयर्स को बहुत डांटते हैं कि तुम इन गरीब फार्मर से इतनी फीस क्यों वसूल रहे हो। एंड एट दी एंड वो क्या कहते हैं कि चंपारण के पीजेंट्स को जो है इन लैंडलॉर्ड से ब्रिटिशर से बहुत डर लगता है, तो इनका जो है केस का हल कोर्ट में नहीं निकलेगा, पहले इनका डर बाहर निकालना पड़ेगा। डन। फिर क्या होता है, फिर गांधी जी जो है बताते हैं हमारे को कि क्या चक्कर था, क्या मांजरा था इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स का। क्या था चक्कर इंडिगो प्लांटेशन वर्कर का, कि देखो चंपारण के जितने भी खेत थे, ये ध्यान से देख लो इस वाली चीज़ को बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। चंपारण की उस दिन जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी ना, तो उसमें गलती से पूरा आप लोगों का 3-3.5 घंटे का लाइव था, तो मेरी गलती से एक जगह पे ना 25% निकल गया था मेरे मुँह से, फिर मैंने आपको सॉरी बोला था उस दिन कमेंट सेक्शन में, तो सब बच्चों ने देख लिया था, तो आप ध्यान से सुन लो क्या था यहाँ पे, ठीक है। तो सॉरी उस दिन के लिए। तो भाई क्या था, जितना भी खेत होते थे चंपारण के, उसके जो 15% हिस्सा होता है उसमें जो है इंडिगो उगाया जाता था। क्यों, क्योंकि फार्मर इंडिगो ये वाला 15% हिस्से वाला बड़े बड़े ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, जो ब्रिटिश ज़मींदार होते थे ना, ज़मींदारों को एज अ रेंट दे दिया करते थे इनके फार्म पर काम करने का। तो अब ये जो इंडिगो जो होता था, जो ये बेचते थे, फिर ये 15% इंडिगो बहुत कमाई करते थे उससे। तो इन द मीन टाइम जर्मनी हैड डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो, तो ये जो फार्म पर उगा हुआ इंडिगो था अब का कोई काम नहीं था, क्योंकि जर्मनी ने फैक्ट्रियों में इंडिगो बना लिया था। एंड लैंडलॉर्ड्स ने कहा कि हम जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो हमारा है जिसमें तुम 15% इंडिगो उगा के देते हो, इसमें से तुम्हें एंड कर देंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को। बट इस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कराने के वो फार्मर से पैसे लेते हैं। अब क्यों ले रहे हैं भैया, तुम्हें इंडिगो नहीं चाहिए, तुमको एंड करो कॉन्ट्रैक्ट को, बट ये लुटे रहे थे। तो ये फार्मर्स को जाके कहते हैं कि जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट एंड करते हैं और उनसे पैसे लूटते हैं। मैनी साइंड, कुछ ने अपनी मर्जी से साइन कर दिया, सम रेजिस्टेड, जिन्होंने कहा नहीं हमारे पे पैसा नहीं कॉन्ट्रैक्ट एंड करने का, हम उगा लेंगे इंडिगो, तो उन्होंने जबरदस्ती एंड कराया, पीटा उन्हें, और जो है
बाद में लॉयर्स को पता चल गया इंडिगो की तो डिमांड ही ख़त्म है पूरी दुनिया के अंदर, इंडिगो तो फैक्ट्रियों में बनने लगा। तो जो है वो कहते हैं भाई ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंड कराने का पैसा हमसे लूटा है ये हमें वापस दो। उसी समय पे राजकुमार शुक्ला जी गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी से मदद मांगने की कोशिश करते हैं कि जो लूटा हुआ पैसा है वो ब्रिटिशर्स से गांधी जी उन्हें वापस दिलवा दे। फिर गांधी जी वेंट टू ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर हु आस्क्ड हिम टू लीव। अब गांधी जी कहाँ जाते हैं ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर के पास कि भाई मुझे कुछ जो है इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे दो। वो कहते हैं यहाँ से जाओ, ठीक है। बट गांधी जी नहीं जाते हैं, गांधी जी कहाँ चले जाते हैं मोतीहारी, कैपिटल ऑफ चंपारण। ये वन मार्कर है याद रख लेना, चंपारण की कैपिटल क्या थी मोतीहारी। वहाँ पर भी उनसे मिलने बहुत सारे लोग आते हैं, वहाँ पर गांधी जी अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। देन ही विजिटेड माल ट्रीटेड विलेजर, उन्हें सुनने में आता है पास ही के एक गाँव में किसी के साथ नाइंसाफी हुई है तो वो वहाँ जा रहे होते हैं उससे मिलने, बट स्टॉप्ड बाय द पुलिस सुपरिटेंडेंट एंड जो है वहाँ पे उन्हें कोई पुलिस वाला आके रोक लेता है और उन्हें कोई लेटर देता है। उस लेटर पे गांधी जी को ऑर्डर दिए गए थे स्ट्रिक्ट की चंपारण जो है लीव करके जाओ आप क्विट चंपारण, बट गांधी जी डिसोबेड द ऑर्डर। गांधी जी ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानते, चंपारण कहते हैं मैं तो नहीं जाने का यहाँ से। मोतीहारी में थे वो उस समय, तो अगले ही दिन मोतीहारी के अंदर उनके ऊपर केस चालू हो जाता है। वो जाते हैं कचहरी, अपने ऊपर केस उनके ऊपर लग जाता है कि उन्होंने ब्रिटिशर्स की बात नहीं मानी। तो उस दिन मोतीहारी में कचहरी के बाहर कोर्ट के बाहर पीजेंट्स ने जो है बहुत भीड़ लगा दी कि भाई कोई आदमी हमारी मदद करने आया है, उनको ये ब्रिटिशर्स तंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे फार्मर्स वहाँ के इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। और फिर क्या होता है वहाँ पे, आप लोगों को अब यहाँ पे पूरे नोट्स में गिवन नहीं है, मैं रिवाइज करवा देती हूँ क्या होता है। फिर जो है वहाँ पे गांधी जी के ऊपर केस चलता है और गांधी जी को जो है कोई सज़ा उस दिन नहीं सुनाई जाती है। क्यों नहीं सुनाई जाती, क्योंकि वो जो फार्मर की भीड़ खड़ी थी बाहर उससे ब्रिटिशर्स डर जाते हैं। गांधी जी बाकी लॉयर फ्रेंड्स जितने उनके आए हुए थे वहाँ पे, राजेंद्र प्रसाद जी और बाकी सबसे पूछते हैं कि बाई चांस मुझे जेल हो गई तो तुम क्या करोगे, तो वो कहते हैं हम वापस चले जाएंगे। फिर राजेंद्र प्रसाद जी सोचते हैं और समझ लेते हैं कि भाई जब ये आदमी जो बिहार का है भी नहीं वो हमारे फार्मर्स की मदद करने को तैयार है तो हम भी करेंगे। तो तब गांधी जी कहते हैं बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन, कि जब आप इतने बड़े बड़े लोग फार्मर्स की मदद करने को तैयार हो तो चंपारण की जंग हम जीत गए। थोड़ी ही दिनों में गांधी जी को पता चल जाता है, रिटन लेटर आ जाता है कि केस खारिज हो गया, कोई केस नहीं होगा गांधी जी के पास ऊपर उनके। तो उस दिन गांधी जी क्या बोलते हैं, द सिविल डिसोबीडियंस हैज ट्रायम्फ्ड इन इंडिया। तो इस पे दो क्वेश्चन जरूर आएंगे, लिख लो, ठीक है, ध्यान से सुन लो। ये दो क्वेश्चन तो इंडिगो में से आएंगे ही आएंगे आप लोगों के, और ना ध्यान से सुनो इस सेशन को, मैं तुम्हें पढ़ा रही हूं, ठीक है, बात भी कर रही हूं सो दैट आप जो है समझ पाओ चीजों को। तो यहाँ से जो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ उनको बहुत ध्यान से सुन लो। तो क्या हो गया यहाँ पे, दो बातें याद रखनी है, एक बैटल ऑफ चंपारण इज वॉन कब कही थी और सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ कब का था। जो उनके ऊपर से केस जब हटा दिया गया था तो उन्होंने कहा था सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ हो गया है, क्योंकि उन्होंने गांधी जी ने बात नहीं मारी अंग्रेजों की, तब भी सजा नहीं दे रहे थे। क्यों नहीं दे रहे थे सजा, क्योंकि फार्मर्स की इकट्ठे भीड़ से वो डर चुके थे कि फार्मर्स एकजुट हो चुके हैं। फिर गांधी जी पूरी रिपोर्ट वगैरह पता लगाते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ मीटिंग करते हैं। ब्रिटिशर्स अपनी गलती उनको माननी पड़ती है कि हाँ उन्होंने करी और उन्होंने लूटा है फार्मर्स को, तो वो पैसे वापस देने को तैयार हो जाते हैं। तो सबको लगता है कि गांधी जी जो है, गांधी जी कितने पैसे मांगते हैं, गांधी जी 100% मांगेंगे। सबको लगता है कि भाई गांधी जी कहेंगे टोटल पैसा वापस कर दो, बट नहीं, गांधी जी कहते हैं भैया जितना आपने इंडियन फार्मर से लूटा उसका 50% हिस्सा वापस कर दो। अब ये लुटेरे थे इतने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स, ये क्या कहते हैं हम तो नहीं दे रहे, हम 25% दे देंगे अगर चाहो तो। तो सबको लगता है गांधी जी 25% पे मांगेंगे नहीं, ब्रिटिशर्स 25% से ऊपर देंगे नहीं, तो एक डेडलॉक हो जाएगा, जैसे वो नेगोशिएशन बारगेनिंग करते हैं ना हम लोग कपड़ों की दुकानों पे कहीं कहीं पे कि इतना इतना, तो वो जो है बारगेनिंग को एंड करते थे। गांधी जी कहते ठीक है भाई 25 में ही आप दे दो, मतलब 25% हिस्सा ही आप वापस कर दीजिए। अब इस बात पे कुछ लोगों ने कहा कि भाई इतने कम पैसे में क्यों मान गए गांधी जी, तो गांधी जी ने कहा है ये इज्जत की बात है, अब जो है फार्मर इज्जत से रहेंगे, ब्रिटिशर्स से डर के नहीं रहेंगे। फिर जो है फार्मर्स को गांधी जी ने जो है इंसाफ दिलवा दिया जिस काम के लिए वो आए थे, बट फिर भी वो वहाँ से नहीं जाते हैं। ही वर्कड हार्ड टूवर्ड सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, यहाँ लिख लो भैया इसे, तो मार्क कर लो, इस बात पे लाइक कर दो, ये क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, ठीक है। इस बात पे 2 मिनट का वेट भी ले सकते हो आप लोग, शेयर भी कर सकते हो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी कर सकते हो, कोई क्वेरी हो दिमाग में तो बता भी सकते हो, कोई बात हो सोचनी हो तो सोच लो अभी, ठीक है, क्योंकि फिर तो मैं नहीं रुकने वाली हूँ, ये वेट है तुम्हारा, ठीक है। फिर हम पोएट पैनकेक वगैरह सब पढ़ लेंगे, क्योंकि यहाँ आते आते ना तुम्हारे थोड़ा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, तो फायर मोड में वापस आ जाओ। पोएट पैनकेक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, गोइंग प्लेसेस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, और अभी विस्तार भी पढ़नी है, तो जल्दी जल्दी जाग जाओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अभी बहुत सारी
चीज़ें पढ़नी है, ये चार चैप्टर पढ़ के इन्हें ना एंड में पढ़ाना चाहिए, ये तो पढ़ पढ़ के तुम्हारे दिमाग में बस ही चुके हैं, उल्टा चलाना चाहिए था ये लास्ट चैप्टर से, गलती हो गई यार। ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, बिल्कुल भी सोना नहीं है ना ही टायर्ड होना है, ध्यान से पढ़ लो, फायर इमोजी लगा दो, पानी पीकर आ जाओ जल्दी से, वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, ठीक है। चिप्स विप्स ले आओ अपने खाने के लिए, जो मन हो खाने का ले आओ, ठीक है चलो। तो क्या होता है फिर, गांधी जी वहाँ पे कुछ सोशल कल्चरल जो है रिफॉर्म्स भी करते हैं, क्या करते हैं वहाँ पे स्कूल खुलवाते हैं, तीन टाइप की दवाइयाँ देते हैं। अब कोई मेरी प्यारी बहन भाई जिसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी हो, वो तीनों दवाइयों के नाम बता दो लाइव चैट में, पिंड कॉमेंट में, तुम्हारे भाई बहनों की मदद हो जाए, ठीक है। और जो है वहाँ पे अपने दो वॉलंटियर्स को भी बुलाते हैं, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, उनकी वाइफ के साथ, कि वो वहाँ पे आके विलेजर्स की मदद करेंगे। एंड लास्ट में गांधी जी ने जो है, जब चंपारण का केस पीक पे चल रहा था, जब राजेंद्र प्रसाद जी और बाकी सारे लॉयर्स मिलके इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो उस समय पे गांधी जी एक और लेसन देते हैं सभी इंडियंस को, कि वो बताते हैं राजेंद्र प्रसाद जी की, एक इंग्लिश मैन, एक अंग्रेज आए थे मिस्टर एंड्रयूज गांधी जी को बाय करने के लिए, वो जा रहे थे फिजी आइलैंड, वो गांधी जी के दोस्त थे, गांधी जी के फॉलोअर थे, दोस्त नहीं कहेंगे। तो राजेंद्र प्रसाद जी सोचते कि एंड्रयूज यहाँ रुक जाए, चंपारण की जंग में हमारे साथ रहेंगे, तो ब्रिटिशर्स के थोड़ा होगा कि हमारे साथ में भी एक अंग्रेज है। तो गांधी जी इस बात को समझ जाते हैं और गांधी जी कहते हैं नहीं, हम ब्रिटिशर्स से कुछ कम नहीं है, हम ये लड़ाई अकेले लड़ेंगे, हमें कोई इंग्लिशमैन अपने साथ में नहीं चाहिए। तो यहाँ से उन्होंने, गांधी जी ने सबको क्या सिखाया, सेल्फ रिलायंस, कि आत्मनिर्भर बनो, हमें किसी अंग्रेज की जरूरत नहीं है इंसाफ पाने के लिए और जीतने के लिए। ठीक है जी, कंप्लीट हो गया इंडिगो, कितनी जल्दी। अब आएंगे अगले चैप्टर पे जो है पोएट्स को। तो जो नए बच्चे जुड़े हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड जो है वापस से फायर मोड में आते हैं एंड पोएट पैनकेक से कंटिन्यू करते हैं इस लाइव सेशन को। ठीक है तो आ गए फॉर्म में वापस, थोड़ा इंडिगो पढ़ने के बाद थोड़ा सा हो जाता है दैट वी फील, अरे यार इतनी देर हो गई पढ़ते हुए। चलो भाई आप दो बहुत सारा फायर मोड में आ जाओ, आज का दिन ही तो है बढ़िया से पढ़ने का, कल तो एग्जाम देकर आओगी तो वो जो चैन मिलेगा ना, जो शांति मिलेगी आपके मन को कि बढ़िया हुआ है पेपर, वो खुश हो गए उस दिन कि भाई कल के दिन मतलब कि अच्छा हुआ इतनी मेहनत करी थी। तो भाई इसमें क्या है, यहाँ पे जो हमारे राइटर है वो जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताते हैं। जेमिनी स्टूडियो ओन्ड बाय एसएस वासन, ये लिख लो, एसएस वासन जी ओन करते हैं। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन अर्ली ईयर्स ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। ठीक है अब जो है सबसे पहले वो हमें एक्सप्लेन करते हैं जेमिनी स्टूडियो का मेकअप डिपार्टमेंट। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडियो लुक्ड लाइक अ हेयर कटिंग सलून, तो वो हेयर कटिंग सलून जैसा दिखता था। वहाँ पे स्ट्रिक्ट हायरार्की फॉलो करी जाती थी इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। मेकअप डिपार्टमेंट में क्या कौन कौन लोग हुआ करते थे, सब लोग पैनकेक पे लगाया करते थे, पैनकेक एक मेकअप ब्रांड का नाम है, और वहाँ पे जितने भी लोग थे वो नेशनल इंटीग्रेशन शो करते थे, यानी कि हर एक स्टेट के लोग वहाँ पे मेकअप करते थे, जैसे बंगाली भी थे, महाराष्ट्रियन भी थे, कन्नड़ भी थे, एंग्लो इंडियंस भी थे, बहुत सारे लोग मेकअप करते थे और हायरार्की फॉलो करते थे, मेल एक्टर की, मेन वाले मेकअप आर्टिस्ट, फिर उनके असिस्टेंट लीड जो है साइड एक्टर्स की, और जो क्राउड की ड्यूटी होती थी यानी कि जो बिल्कुल क्राउड का मेकअप करना होता था उसकी ड्यूटी होती थी उनके ऑफिस बॉय की। ठीक है तो ऑफिस बॉय के बारे में आपको याद है, ऑफिस बॉय जो था जो है क्यों आया था ऑफिस के अंदर, यहाँ पे स्टूडियो के अंदर बहुत बड़ा कोई राइटर एक्टर बनने के लिए, स्क्रिप्ट राइटर पोएट बनने के लिए, बट उसकी ड्रीम्स कभी पूरी नहीं होती। तो वो जो ऑफिस बॉय क्या करता था, हमारे जो राइटर है जिनका नाम है अशोका मित्रन, उनके ऑफिस में बैठ के उन्हें तंग करता रहता था, उनको बताता रहता था यार मेरी तो लाइफ में सब कुछ बुरा हो गया, ये सब सुबू की वजह से हुआ है, मैं तो बहुत बड़ा राइटर पोएट बन जाता अगर ये सुबू जी यहाँ ना होते, ऐसे ऐसे करके सुनाता रहता था। तो अब सुबू जी कौन है बताऊंगी, बट उससे पहले सुन लो हमारे राइटर अशोका मित्रन जी जो है वो क्या करते थे जेमिनी स्टूडियो में। भाई साहब वो जेमिनी स्टूडियो में उनका काम था कि वो न्यूज़पेपर में से कुछ कुछ न्यूज़ काट काट के जो है क्लिप करके कट करके जो है एक फाइल में लगाते थे, तो लोगों को लगता था क्या ना के बराबर काम कर रहे हैं ये, और ऑफिस बॉय को भी ये लगता था, तभी उन्हें बैठ बैठ के अपने दुखड़े सुनाता रहता था। अब वो किन से चिढ़ता था, वो चिढ़ता था कोठा मंगलम सुबू जी से जो नंबर टू के बॉस थे जेमिनी स्टूडियो के, एंड ही वॉज ऑलवेज चीयरफुल थे, या उनका करेक्टर स्केच याद कर लो, टेलर मेड थे फिल्म के लिए, क्रिएटिव थे, ही कुड ऑफर वेरियस ऑल्टरनेटिव्स फॉर हाउ अ सीन कुड बी इन्वेंटेड, याद है ना वो भैया अलग अलग सीन्स को बता सकते थे ऐसे डायरेक्ट कर लो। सुबू इन फैक्ट गेव अ डायरेक्शन टू जेमिनी स्टूडियो ड्यूरिंग इट्स गोल्डन ईयर, सुबू जी जो है गोल्डन ईयर जब चले थे जो है जेमिनी स्टूडियो के, तब उन्होंने डायरेक्शन दिया था। अब जो है सुबू जी स्टोरी डिपार्टमेंट में आते थे, उस स्टोरी डिपार्टमेंट में एक लॉयर भी था जिसको लीगल एडवाइज़र किया जाता था, लीगल एडवाइज़र की जगह, क्योंकि उसने एक एक्ट्रेस का करियर तबाह कर दिया था, क्योंकि जब वो चिल्ला रही थी तो उसने रिकॉर्डिंग करी और वो रिकॉर्डिंग चला दी, तो उसको जो है बड़ी शर्म आई कि मैं कैसे चिल्ला रही थी, और वो करियर ही अपना लीव कर देती है, जेमिनी स्टूडियो छोड़ के क्या एक्टिंग ही छोड़ के भाग जाती है। ठीक है
ख़त्म यहाँ तक। फिर वो बताते हैं हमारे यहाँ पे जैमिना स्टूडियो में बड़े बड़े पोएट लोग आते हैं और वो क्या खाते हैं, यहाँ पे चाय और कॉफ़ी वगैरह पीते रहते हैं। जितने भी जैमिना स्टूडियो के लोग थे वो ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं थे, बट सबको कम्युनिज्म अच्छा नहीं लगता था। अब तुम भूल जाओ कम्युनिज्म क्या है, छोड़ो कम्युनिज्म क्या है, उस पर ध्यान ही मत दो, एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है। कम्युनिज्म पसंद नहीं था जैमिना स्टूडियो के लोगों को, उन्हें लगता था कि कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं वो बिल्कुल भी जो है अपने घर वालों से भी प्यार नहीं करते, अपने वाइफ से, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से प्यार नहीं करते, ना ही किसी रिलीजन में बिलीव रखते हैं, किसी भी जो है रिलीजन में बिलीव नहीं रखते, ऐसे कुछ इनके यहाँ पे कम्युनिज्म के खिलाफ जो है बातें चलती थी। पूरे जैमिनी स्टूडियो के लोगों को कम्युनिज्म पसंद नहीं था, तो बस ये बात ध्यान में रखो। और फिर यहाँ जो है जैमिनी स्टूडियो में आते हैं MRA वाले। MRA क्या है, मॉरल रीआर्मेंट आर्मी। इसको जो है एक बहुत बड़ा जो है ये बाहर के देश की एक उस ज़माने में आप मानो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, एक बहुत बड़ी टीम थी जो प्ले करते थे इधर से उधर जाके। तो वो इंडिया में भी आए प्ले करने के लिए, तो जैमिनी स्टूडियो में रुके क्योंकि जैमिनी स्टूडियो वालों पे सारा सेट थे, सारी इक्विपमेंट्स थे, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह थे। तो MRA के बहुत सारे लोग आए थे, बटेरे अंग्रेज आए थे और यहाँ रुके थे जैमिनी स्टूडियो में। और वो बताते हैं कि जैमिनी स्टूडियो में जो रहकर उन्होंने और तमिलनाडु में बहुत सारी जगहों पे उन्होंने प्लेस करे, कौन कौन से, दो प्ले करे थे, जॉथम वैली और फॉरगॉटन फैक्टर। ठीक है, अब जब वो लोग चले जाते हैं तब हमारे ऑथर को समझ में आता है कि ये जो MRA वाले थे ये क्यों आए थे, क्योंकि ये जितने भी प्ले करते थे वो जो है काउंटर वो था, कम्युनिज्म था। जितने भी MRA वाले लोग थे ये कम्युनिज्म के खिलाफ थे और जैमिनी स्टूडियो के जो बॉस थे और जैमिनी स्टूडियो में भी कम्युनिज्म के खिलाफ बातें चलती थी, तो वो समझ जाते कि भाई अच्छा बॉस ने इसीलिए इन्हें यहाँ बुलाया होगा क्योंकि उन्हें भी कम्युनिज्म पसंद नहीं है और MRA वालों को भी नहीं है। ठीक है, तो कम्युनिज्म पे ही चल रहा है आपका ये चैप्टर आगे का। ठीक है जी, अब क्या होता है, अब हमारे ऑथर के यहाँ पे जो है जैमिनी स्टूडियो के अंदर आते हैं एक एडिटर। एडिटर कौन होते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। एडिटर आए थे गाइस स्टीफन स्पेंडर नाम के, एक बहुत बड़े एक पोएट भी, राइटर भी हैं ये और एक एडिटर भी थे। तो ये आते हैं स्टीफन स्पेंडर जी और आके एक स्पीच देते हैं। अब जो वो स्पीच देते हैं वो कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आया कि ये इतना अंग्रेजी का भाषण हम लोगों को देकर क्यों गए और मेरी जो जनता जिसको ये भाषण देके गए उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आया। तो इनकी लाइफ में क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि ये क्यों आए थे, मैंने तुम्हें बता दिया स्टीफन स्पेंडर आए थे। ठीक है, अब बहुत समय बीत जाता है, इनके दिमाग में बड़ा क्वेश्चन था यार वो राइटर क्यों आया था हमारे यहाँ, क्या बोल के गया वो अंग्रेजी में और क्यों आया हमारे यहाँ, क्यों आया अंग्रेजी में स्पीच देनी अंग्रेजों को जाके, तो हमें क्यों देने आए थे यहाँ पे, शादी भी नहीं यहाँ के लोगों को क्यों दे रहे थे। तो एक क्वेश्चन मार्क था उनकी लाइफ में, वो हटेगा क्वेश्चन मार्क, पता चलेगा। अब वो बताते हैं कि एक बार एनकाउंटर मैगजीन में जो है कॉन्टेस्ट चला था, तो उसके लिए शॉर्ट स्टोरी के लिए मैंने सोचा मैं भी अपना स्टोरी लिख के भेज दूंगा क्योंकि वी राइटिंग करते थे, तो पहले जाके लाइब्रेरी में चेक करते हैं एनकाउंटर मैगजीन है क्या, कि बढ़िया भी है या नहीं, पैसे वेस्ट कर दे कहीं स्टोरी लिख के पोस्ट करने में, डाक करने में पैसे लगते हैं ना, स्टैंप वगैरह एंड ऑल दैट। तो जाके चेक करते हैं तो पता चलता है एनकाउंटर मैगजीन तो स्टीफन स्पेंडर ने ही लिखी है जो हमारे यहाँ स्पीच देने आया। तो कह रहे बड़ा अच्छा लगा, जैसे जैसे परदेश में कोई देसी मिल जाए तो बहुत खुशी होती है वैसे टाइप से। ठीक है जी, फिर जो है कहते हैं लास्ट में जब ये रिटायर भी हो चुके थे अशोका मित्रन जी, तब उनको समझ में आता है कि भैया क्यों आए थे स्टीफन स्पेंडर कहाँ जैमिनी स्टूडियो में स्पीच दे रहे, क्यों, क्योंकि वो एक बुक देखते हैं जिसका नाम है द गॉड दैट फेल्ड, जो बिक रही थी वहाँ एक सड़क पे किनारे पे, क्योंकि जो है सस्ते में बिक रही थी बहुत ज़्यादा, उस दिन सेल लगी हुई थी उस पे, क्योंकि जो है रशियन रेवोल्यूशन की से जो है एनिवर्सरी आ चुकी थी, तो वो स्टूडेंट्स एडिशन था वो कहते हैं। तो उस दिन उन्हें समझ में आया कि स्टीफन स्पेंडर वहाँ क्यों आए थे, क्योंकि उस बुक के अंदर 6 ऐसे लिखे हुए थे, 6 बड़े बड़े राइटर्स ने, उनमें से एक ना लुइस फिशर भी हैं जिन्होंने इंडिगो लिखा है, कि ये सब लोगों ने कैसे कम्युनिज्म को जो है पकड़ा, कम्युनिज्म का साथ निभाया, कम्युनिज्म उन्हें अच्छा लगा और कैसे उन्हें लगा नहीं यार ये तो अच्छा नहीं है, ये आइडियोलॉजी अच्छी नहीं है, और कैसे वो कम्युनिज्म से उनकी वापसी हो गई, उन्होंने उस आइडियोलॉजी को लीव कर दिया। तो तभी बुक का नाम क्या है द गॉड दैट फेल्ड, यानी कि गॉड वो यहाँ कम्युनिज्म को कह रहे हैं कि उन्हें कम्युनिज्म पहले सही लगा बट फिर फेल लगा। ठीक है, तो वो 6 राइटर्स का नाम जो है याद रख लेना, मैं पिन कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। तो जो है ये उनको समझ में आता, अच्छा भैया उस दिन भैया ये भी हमारे यहाँ इसलिए ही आए थे, जैसे MRA वाले कम्युनिज्म के खिलाफ थे, स्टीफन स्पेंडर भी कम्युनिज्म के खिलाफ हो चुके थे, हमारे यहाँ के बॉस और हमारे यहाँ पे तो कम्युनिज्म के खिलाफ बातें चलती थी तो इसलिए आए होंगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है जी। तो बिना कम्युनिज्म जाने भी डिटेल में तुम समझ गए क्या हुआ है। ठीक है, अब पढ़ते हैं अगला चैप्टर इंटरव्यू। ओके सो चलो अगला चैप्टर पढ़ते हैं, और अगला चैप्टर पढ़ने से पहले जैसा हमारा बन चुका है हिसाब पक्का कि कर दो जल्दी से वीडियो को लाइक, करनी नहीं है अभी तक तो भाई जल्दी 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 वीडियो को लाइक कर दो, और कोई क्वेरीज है तो पूछ लो मुझसे कमेंट सेक्शन में, और शेयर कर दो सारे दोस्तों के साथ। जितने नए बच्चे यहाँ पे जुड़ रहे हैं तो बहुत अच्छे से गाइस अपनी पढ़ाई कर लो और बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, इंटरव्यू चैप्टर याद है या नहीं है, क्रिस्टोफर ने लिखा है, क्रिस्टोफर क्या नोलैन नहीं है, कुछ और नाम है,
कौन है जरा राइटर बता दो इंटरव्यू के, मैं तो भूल गई भाई, मैं तो भूल गई, मुझे तो आता ही नहीं है, सबन दीदी को नहीं याद क्या है इंटरव्यू के राइटर बता दो। तो इंटरव्यू में क्या है, ए बढ़िया, बड़े बड़ा आसान चैप्टर है ये तो। इंटरव्यू जिसको पसंद नहीं है उनका नाम याद रखना है, और इंटरव्यू जिन्हें पसंद है उनका नाम याद रखना है। कुछ लोगों को इंटरव्यू पसंद नहीं होता, कुछ लोगों को होता है, बस जी सिंपल ये बात है। तो द लेसन जो है, इन दिस लेसन द ऑथर हाईलाइट सम ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है पॉइंट्स ऑन इंटरव्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव पॉइंट क्या है इंटरव्यू का, कि कुछ लोग कहते हैं इट इज हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ ट्रूथ, कि भाई बहुत सारा ये लर्न कर लो, ये लाइन लिखना भैया एग्जाम में, इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू इज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इन प्रैक्टिस इट इज एन आर्ट। आर्ट मतलब क्या होता है, कला है, इंटरव्यू लेना एक कला है। ठीक है, इट इज कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म, इंटरव्यू क्या है, बहुत कॉमन होता है जर्नलिज्म में। इट इज अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, जब भी सेलिब्रिटीज या नोन पर्सन पर्सनैलिटी जिनसे हम इंस्पिरेशन लेते हो उनके बारे में जानना हो तो उनका इंटरव्यू हम देख लेते हैं, ये पॉजिटिव हो गए। ठीक है, नेगेटिव आउटकम की बात करें तो बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इंटरव्यू बिल्कुल पसंद नहीं है, उनके बहुत सारे नाम हैं, उनको तो मैंने पिन कॉमेंट में पिन कर दिया, रीड कर लेना। ठीक है, उनके जो विचार हैं उन्हें अच्छे से रीड कर लेना, लर्न करना है तुम्हें। वी एस नायपॉल जी हैं, रुडियर्ड किपलिंग जी हैं, एलिस इन द वंडरलैंड के राइटर हैं, और जो हैं वो हैं सॉल बेलो हैं, जो द टाइम मशीन जिन्होंने लिखी है, बुक एच जी वेल्स हैं, उन्हें नहीं पसंद इंटरव्यू। सबने इंटरव्यू को एक एक लाइन में जो पसंद नहीं है उसको डिफाइन करा है, तो वो आपको याद रखना है। जैसे कि वी एस नायपॉल जी ने क्या कहा था, इंटरव्यू अनवांटेड इंट्रूजन होती है इंसान की लाइफ में, और जो है वो किसी को डिमिनिश कर देती है। अलग अलग तरीकों से जो है इंटरव्यू को लोगों ने डिफाइन करा है। ठीक है, तो इंटरव्यू के लिए मैंने आपको कहा है एक बार जरा पिंड गवर्नमेंट चेक कर लेना, इन सबके विचार लिख दिए हैं इंटरव्यू के। ओके, उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट जब आता है तो हमारे एक जो है आप सच्ची का इंटरव्यू पढ़ते हो। सच्ची का इंटरव्यू किसका पढ़ते हो, उम्बर्टो एको जी का पढ़ते हो। उम्बर्टो एको कौन है भाई, अगर ये वो होता मैं PIP में दिखाती हूँ उम्बर्टो एको जी। ठीक है, तो उम्बर्टो एको जी जो है एक प्रोफेसर है इटली की यूनिवर्सिटी के, और इनकी एक नॉवल है, वैसे तो पढ़ाई लिखाई कराते टीचर हैं ये, बट इन्होंने एक नॉवल लिखी, उसका नाम था द नेम ऑफ द रोज, और वो बहुत फेमस हो जाती है, बहुत ज्यादा फेमस हो जाती है। तो फिर इनको लोग जाके इंटरव्यू इनका लेते हैं, इतने फेमस बन जाते हैं ये। तो हमारे भी इंडिया के एक अखबार है द हिंदू अखबार है, जो उसके जो है जो रिपोर्टर हैं उनका नाम है मुकुट पद्मनन, वो जाते हैं इंटरव्यू लेने उम्बर्टो एको जी का। अब वो क्या क्या पूछते हैं उनसे ये जान लो। तो वो पूछते हैं सर आप इतना सारा काम कैसे कर पाते हो, स्कूल में चले ट्यूशन वो कॉलेज में भी पढ़ा लेते हो और आप नॉवेल्स भी लिख लेते हो ये वो। तो उन्होंने कहते हैं अरे नहीं, मैं तो सब कुछ सेम काम ही कर रहा होता हूँ, मैं जो सोचता हूँ फिलोसॉफिकल चीज़ें वही लिख देता हूँ, पढ़ाई की भी कराता हूँ तब भी, ये नॉवेल भी मैं भी यही कर देता हूँ। तो वो कहते हैं इतना टाइम कैसे मिलता है आपको कि आप कॉलेज का भी काम कर लेते हो और ये भी कर लेते हो, राइटिंग नॉवेल्स एंड ऑल दैट भी। तो ये चीज़ याद रखना जब वो बताते हैं अपनी थ्योरी ऑफ इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस वो क्या कहते हैं कि मैं एक भी मिनट को वेस्ट नहीं करता लाइफ के, जब भी कोई दो कामों के बीच का समय बचा हो तो मैं उसमें अपना आर्टिकल लिख लेता हूँ। जैसे कह रहे अभी तो माई मेरे घर पे गाड़ी आपने पार्क करी, अभी आप अब मेरे फ्लैट तक ऊपर तक आते देर लगती है आपको, 5-10 मिनट लगते, मैंने 10 मिनट में एक छोटा सा आर्टिकल लिख दिया। तो वो अपना बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते थे, और इसी तरीके से वो अपने कॉलेज भी जाते थे, स्कॉलरी किताबें भी लिखते थे, और कभी कभी जो है इतना टाइम बचा लिया करते थे कि वो इतनी बेहतरीन नॉवेल्स भी लिख लिया करते थे। ठीक है, अब जो उनकी नॉवेल का नाम था द नेम ऑफ द रोज, वो बहुत सीरियस नॉवेल थी, एक डिटेक्टिव नॉवेल थी। ठीक है, इट डील्स विद द थीम ऑफ मेटाफिजिक्स थियोलॉजी एंड मेडिवल हिस्ट्री। तो ये नेम ऑफ द रोज की ना कहानी याद कर लो कि कैसी नॉवल थी नेम ऑफ द रोज। तो मुकुंद परमानंद जी पूछते हैं कि आपकी बुक इतनी सक्सेसफुल क्यों हो गई, क्योंकि उसमें मेडिवल हिस्ट्री है, उस जमाने में मेडिवल हिस्ट्री में लोगों का इंटरेस्ट था। तो वो कहते हैं नहीं भैया, पब्लिकेशन के टाइम पे तो भाई मेरी जो है पब्लिशर ने मुझे 3,000 कॉपियों का ही पैसा दिया था, उसने कहा इससे ऊपर नहीं बिकने की, हाँ हमारे यहाँ पे ये इतनी मुश्किल नॉवल कोई नहीं पढ़ेगा, बट इतनी ज़्यादा बिक गई। तो कुछ नहीं पता होता कौन सी नॉवल कब बिक जाए, कब लोगों का इंटरेस्ट किसी भी चीज़ में जाग जाए, एक मिस्ट्री है वो कहते हैं। तो सिंपल इसमें से कुछ नहीं याद रखना है, इंटरस्टाइसिस याद रखना है। और वो क्या बताते हैं, मिस्ट्री है उनकी नॉवल का बिकना, कोई राज ऐसा ही है। वो कहते हैं नहीं मैं नहीं बता सकता क्यों बिकी ज़्यादा, बस बिक गई उस समय पे। और वो हर एक जिन राइटर को पसंद नहीं है, जिन जर्नलिस्ट जो भी लोगों को इंटरव्यू पसंद नहीं है उनका नाम और क्यों पसंद नहीं है वो लिखी हुई उनकी बात पिन कर दिया कमेंट में, टाइम वेस्ट नहीं कराना, रीड करके बताऊँ उसको। ठीक है जी, अगला पढ़ते हैं अब हम। अगला आ गया हमारा सोफी जी का चैप्टर, प्यारी सी हमारी सोफी। तो सोफी कौन है भैया,
जैसे आपको याद हो तो ये गोइंग प्लेसेस चैप्टर में से है। ये लेसन की थीम क्या है, एडोलेसेंट फैंटेसीज, यानी कि कभी कभी जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है, तो वो अपने दिमाग में बहुत कुछ अपनी दुनिया में अकम्प्लिश करना चाहते हैं, बट उसके लेकर डे ड्रीमिंग करते हैं। अब कुछ लोगों की डे ड्रीमिंग बहुत जब एक्सटेंसिव लेवल पर पहुँच जाए तो उसे हम जो है वो कह सकते हैं कि भैया वो गलत साइड जा रही है। जैसे ये जो है हमारी बच्ची थी सोफ़ी, ये क्या कर सोचती थी कि एक बहुत बड़ा फुटबॉलर है इनके यहाँ का जिसका नाम है डेनी कैसी, वो इनको मिला है कहीं रास्ते में, वो इनका फ्रेंड बन जाएगा, ये उसको पसंद करती है, उसकी फ़ैन है, बट हर समय दिमाग में ऐसा इमेजिन करती है, एक बेंच पे जाके बैठ जाती है कि वो मुझसे मिलने आ रहा है। जैसे कई बार कुछ लोगों को जैसे मतलब कि फ़ैन है आप, आपके आइडल जो हो गए, या आपको कोई फ़ैन हो, आप किसी सिंगर के हो, किसी किसी हीरो के हो, किसी एक्टर के हो, एक्ट्रेस के हो, तो आप सोचो यार ये मुझसे मिल रहे हैं, भाई जस्टिन बीबर इसका, इसके माने तो जस्टिन बीबर इसका फ्रेंड बन गया, इसका माने तो काइली जेनर इसकी बेस्ट फ्रेंड है, ये जो मर्जी चाहे ये अपने दिमाग में बना सकती है और फिर सबको बताएगी, सबको बताएगी सब बातें, जैसे कुछ सच हो, ऐसी सी है हमारी सोफी। तो बट ये क्यों ऐसा करती है, क्योंकि अपनी जिंदगी से इतने खुश नहीं है, इसके अंदर चार्ली वाला हाल है, थर्ड लेवल का, अभी पढ़ाऊंगी अगला समझ जाना। तो सोफी अ यंग गर्ल ऑलवेज ड्रीम्स ऑफ बिग एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, रीड कर रही हूँ यही है बस इसका चैप्टर। हर एम्बिशंस हैव नो रिलेशन विद हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, उसका कभी मन करता है एक्ट्रेस बन जाऊँ, और उसका बहुत बड़ा ड्रीम है अपनी बुटीक खोलूंगी, बट बुटीक खोलने के लिए पैसा चाहिए वो तो है नहीं इसके पास में, और मेहनत करने को ये मैडम तैयार नहीं है, इन्हें करनी है डे ड्रीमिंग डेनी कैसी के बारे में। तो इसकी जो फ्रेंड जैनजी है वो उसको कहती भी है कि बहन पैसे पेड़ पे नहीं उगते, इतना पैसा नहीं कमा पाएगी तू, तो कहती है मैं एक स्टोर में मैनेजर बन जाऊंगी, वहां से पैसा कमाऊंगी और फिर बुटीक खोलूंगी। जैनजी कहती है तब भी नहीं हो पाएगा, तो कहती है मैं एक एक्ट्रेस बन जाऊंगी, एक्टिंग के करियर में तो बहुत पैसा है, और फिर अपना साइड में बुटीक खोल लूंगी। तो जो जैनजी है किसकी दोस्त, वो बिल्कुल ही उसके पैर ज़मीन पे है, वो नॉन एम्बिशियस है, जैनजी तो कुछ लाइफ में आगे करना ही नहीं चाहती, उसने मान लिया कि बिस्किट फैक्ट्री में जाके ही मैं जॉब करूंगी स्कूल के बाद, सोफ़ी को भी करनी है, बट सोफ़ी मान नहीं रही है इस बात को, सोफ़ी तो कह रही नहीं मैं तो बुटीक खोलूंगी, बट अच्छी बात है सोफ़ी कोई गलत नहीं करी अगर वो चाह रही है बुटीक खोलना, बट उसकी जगह उसे बुटीक खोलने के लिए फिर कुछ मेहनत करनी चाहिए, फैशन डिज़ाइनिंग करे, कुछ भी करे, कुछ सीखे। बट ये क्या करती है, ये डेनी कैसी के लिए डे ड्रीमिंग करती है, ठीक है चलो। डैनी सोफ़ी अडोर्स एन आयरिश फुटबॉलर डेनी कैसी एंड मेक्स हिम इमेजिनरी फ्लाइट्स टू मीट हिम, इमेजिनरी फ्लाइट्स मतलब दिमाग में इमेजिनेशन करती है कि वो उससे मिली है, ठीक है। ये बात वो अपने भैया को भी बताती है जिसका नाम है जियोफ है, वो उसकी बात पे इतना भरोसा नहीं करता और कहीं ना कहीं कर भी लेता है। देन जो है ये बात उसके घर में उसके पापा को भी पता चल जाती है, तो उसके पापा उसे डांटते हैं, बेटा ऐसी झूठी बातें मत बनाओ, एक दिन तुम फंस जाओगी ऐसे झूठ बोल बोल के। फिर वो अपने भाई के रूम में जाके उसे एक और झूठ बोलती है, कहती है कि डैनी कैसी मुझे कहाँ मिला था, पहले उसे बताया था कि डैनी कैसी जो फुटबॉलर है उसे कहाँ मिला था, क्या बताती है सोफी याद है तुम्हें, वो बताती है कि एक फुटबॉलर है जो है ना वो हमारे डैनी कैसी, मैं उनसे वहाँ मिली थी रास्ते में वापस आ रही थी आर्केड पे, आर्केड एक जगह होती है देखो बाहर के देशों में जहाँ पे ना सारी दुकानें लगी होती हैं, बहुत सारी शोरूम से होते हैं, उसे आर्केड कहते हैं। तो कह रही वो रॉयसी की विंडो पे था, मैंने वहाँ पे उसको देखा, मैंने बात करी, मैंने कहा आप डैनी कैसी हो, गए थे हाँ मैं डैनी कैसी हूँ, मैंने कहा सब मुझे जो है बस, उसने मुझे देखा मैंने उसे देखा, उसका भाई बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि वो डैनी कैसी का फ़ैन था, और वो अपने पापा को भी बताते हैं कि भाई डैनी कैसी से मिली है सोफ़ी, तो पापा उसको डांट देते हैं उसके सोफ़ी के जो मैंने आपको बताया, और ये इतनी बदतमीज़ है पर इतनी बेवकूफ़ है, पता क्या बोलती है कि वो ना वहाँ दुकान भी खरीदने वाला है आर्केड पर डैनी कैसी, तो तब इसके पापा इसे और डांटते हैं कि बेटा ऐसी बातें मत करो तो फंस जाओगे किसी दिन झूठ बोल बोल के इतना, और तुम्हारे भाई को भी कोई भरोसा नहीं हो रहा है कि तुम मिल के आई हो डैनी कैसी से। तो ये दोबारा जाती है अपने भाई के रूम में और फिर बताती है उसे, नहीं भाई मैं डैनी कैसी से मिली थी, और इनफैक्ट तुझे तो मैंने आधी बात बताई है, एक और बात है पापा को मत बताइए, पापा डांटेंगे। वो कहते हैं क्या डांटेंगे पापा झूठ बोल रही हो, तो कह रही नहीं अभी डैनी कैसे मुझसे अगले हफ्ते मिलेगा, मेरी डेट फिक्स हो गई उसके साथ में। वो कहते हैं क्यों भाई क्या हो गया, तो वो बताती है कि भाई डैनी कैसी से मैंने पूछा आर यू डैनी कैसी, उसने कहा हाँ, मैंने कहा आप मुझे ऑटोग्राफ दो, तो हमारे पास पेन नहीं था, तो उसने मुझे प्रॉमिस करा है कि अगर हम वो मैं चाहूँ तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे वहाँ पे, वो मुझे ऑटोग्राफ देगा। तो अपने भैया को झूठ बोल रही है कि वो जो है अगले हफ्ते डैनी कैसी से वहीं आर्केड में रॉयसी के विंडो पे मिलेगी, और फुटबॉलर इतना बड़ा फेमस वो इसको क्या देगा, ऑटोग्राफ देगा। बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, कि अपने दिमाग में एक मनगढ़ंत कहानी बना रही है। सैटरडे को फिर ये लोग डैनी कैसी जी का मैच देखने जाते हैं, डैनी कैसी जी बढ़िया गोल मारते हैं, जीत भी जाते हैं, और फिर ये मैच देख जब वापस आ रही होती है तो रास्ते में जैनजी पकड़ लेती है इसकी बेस्ट फ्रेंड इसको, कि बहन ये क्या बातें हो रही हैं कि तू, जैनजी कहती है आप तू कब मिली भैया डैनी कैसी से, मुझे तो तूने बताया नहीं। तो ये डर जाती है कि इसके भाई ने इसका सीक्रेट रिवील कर दिया कि ये डेट पे जाएगी डैनी जो है डैनी कैसी के साथ में, जैनजी और डैनी कैसी मैं मिक्स कर रही हूं।
तो वो कहती है कि नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस मिली थी, एक बार ही मिली थी, वो वहाँ पे थे, मैंने कहा आर यू डैनी, कैसी, दैट्स इट, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो इसे बड़ा खुशी होती है कि चल भाई ने मेरे कम से कम अगले हफ्ते वाली डेट का नहीं बताया, बस इसे इतना पता है कि मैं मिली हूँ डैनी कैसी से। तो जैन जी कहती है नहीं नहीं तू टेंशन मत ले, मैं लोगों को नहीं बताऊंगी। पर जैन जी कैसी है, जैन जी ना मोहल्ले में गाने वाली है, तो सोफी को डर लग जाता है कि मोहल्ले में सबको जाके बता दे मैं डैनी कैसी से मिली, और मेरी और डैनी कैसी की ऐसे बातें फैलेंगी तो मेरे घर पर पापा को पता चलेगा और मेरी डांट पिटेगी, तो डर जाती है। तो जैनसी प्रॉमिस करती है नहीं मैं किसी को नहीं बताऊंगी तेरे और डैनी कैसी की बात, मुझे तो बता। तो उसे बता दे कुछ नहीं, वहाँ आर्केड पे मिली थी, तुम याद कर लो भाई। सोफी जा रही है आर्केड पे, उसने अपने दिमाग में बनाया डैनी कैसी देखा, डैनी कैसी से उसने बात करी, ऑटोग्राफ मांगा, उस पर पेन नहीं था, तो उसने कहा अगले हफ्ते दे दूंगा तुम्हारे को ऑटोग्राफ। बट ये सब कुछ नहीं हुआ, ये सब उसके दिमाग की मनगढ़ंत कहानियां हैं। कभी कभी तो मुझे चैप्टर रीड करते हुए लगता है हमें चैप्टर रीड करते हुए लिखा है भाई सच्ची में ही तो नहीं मिली थी, नहीं मिली थी। देन आफ्टर डैट वो एक दिन क्या करती है, शाम को जाके बेंच पे बैठ जाती है, एक बहुत कोने में इतने दूर जाके, इसके घर से एक बेंच था, गार्डन वाला एरिया था, वहाँ लोग आते जाते नहीं थे, और इमेजिन करती है कि यार डैनी कैसी अगर मेरा बॉयफ्रेंड होता तो हम लोग यहाँ पे मिला करते, इमेजिन करती है वहाँ बैठ के, हाँ डैनी कैसी वहाँ पेड़ की पत्तियाँ हिली, वहाँ से परछाई आ रही है, वो डैनी कैसी चल के आ रहे हैं, ऐसे ऐसे इमेजिन करती है। और फिर याद आता है यार वो तो कभी आएगा नहीं, मैं तो उसे जानती नहीं, मैं तो उसे मिली नहीं। बट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती, कहती नहीं मैं तो मिली थी डैनी कैसी से, लोग मेरा भरोसा ना करे तो ना करे। फिर सोफी उठ के उस बेंच पे से अपने घर चली जाती है। एंड एट द एंड क्या होता है, क्या है इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, कि वो जो बच्ची सोफी है वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, उसके बहुत हाई ड्रीम्स एंड होप्स है, बट वो उस अपनी रियलिटी को कि वो मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती है, उसे बिस्किट फैक्ट्री में जाके काम करना, एक्सेप्ट नहीं कर रही है। अब वो जो है कुछ मेहनत करके सब चीज़ से बाहर निकल सकती है, बट मेहनत भी नहीं कर रही है, वो जो है फैंटेसाइज कर रही है, हीरो वर्शिप कर रही है, डे ड्रीमिंग कर रही है डैनी कैसी को लेकर। तो इस चीज़ का इसकी लाइफ पर बहुत गलत इफेक्ट पड़ रहा है, मेंटल स्टेट इसका इतना ख़राब हो चुका है कि वहाँ बेंच पर जाके बैठती तो परेशान भी होती है बहुत ज्यादा। तो ये चैप्टर यहां पे एंड होता है, इसकी थीम वाली वीडियो जरूर देख लेना, जैसे इसकी थीम बताइए। ओके, तो अब पढ़ेंगे हम विस्तार बुक को। तो भैया जल्दी से एक लाइक कर दो इस वीडियो को, क्योंकि कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी हमारी फ्लेमिंगो की सारे चैप्टर्स। तो पोइट्री भी है, अभी पोइट्री अभी रुक के डिस्कस करेंगे, पहले सारे चैप्टर्स कर लेते हैं ना, पोम तो पढ़ानी ही है ऑब्वियस बात है। तो चलो वेट करते हैं, चलो दो मिनट, लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, पानी पीकर आ जाओ और आगे कंटिन्यू करेंगे विस्तार बुक को।